फकीर डालो, मैंने बोला फकीर डालो, सुनाई दिया ना फकीर डालो। नीचे नीचे देखिए बाबूजी, धीरे धीरे, हो गया हो गया हो गया। सलाम अलैकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जानवी, खुश रहो। आदाब अर्ज़ उमेश जी, आइए आइए। दवाई वाला डब्बा ले लिया ना आरती? ये भी कोई याद दिलाने की चीज है, बच्ची थोड़ी है हम। जानवी, अम्मा बाबूजी और आरती पीछे बैठ जाएंगे, बाबा के लिए आगे बैठ जाएंगे, तुम हम और चाची जी चाचा जी पीछे बैठ जाएंगे। अरे सुनो ब्रजेश, देखो हम उमेश भैया के यहाँ आ गए हैं और ये लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं समोहा फकीर दौला के दरगाह पे एक दिन के लिए। हम और मालती भी साथ जा रहे हैं। अरे भाई कल शाम तक लौटेंगे, तब तक तुम दुकान संभाल लेना, ठीक है? माधुरी भाभी सब सामान ले लिए ना? हाँ हाँ मालती, जो जो हुआ हम रख लिए हैं, बाकी देख लेंगे ना। हाँ खाना वाना रास्ते में जैसा भी बताएंगे। अम्मा बीच में बैठ जाइए आरती के बगल में। चाचा जी आप पीछे बैठ जाइए। चाचा जी आप घबराइए नहीं, आपकी सेटिंग चाचा जी के साथ ही रखिए। चुप कर बदमाश, अब काहे की सेटिंग? अरे आधी जिंदगी निकल गई साथ साथ। अरे चाची जी अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अब देखना चाचा जी कितने रोमांटिक हो जाएंगे। अरे हमने सोचा कम से कम आज के लिए तुम्हारी चाची से छुटकारा मिल जाएगा। अरे रघु चाचा पहले यहाँ से तो निकले। अरे संदीप डीजल भरवा लिए हो ना? हाँ भैया टंकी फुल करा ली है। ठीक है चलिए। अरे वो देखो वो जया और किशन भी आ गए। अरे क्या बात है, चाचा चाची भी ज्वाइन हो गए हैं आप लोगों के प्रोग्राम में? हाँ हम तो उमेश भैया को देखने आए थे, देखा सब लोग साथ जा रहे हैं तो हमने भी प्लान बना लिया। और का तो पूरी फैमिली को बस में कर ही लिया है बाबा कलीम, सब के सब को ले जा रहे हैं फकीर दौला के दरगाह में। ऐसे सफर पे निकलने के वक्त धोखा नहीं करते। अच्छा, अरे किशन भैया जिद छोड़िए, हम तो कहते हैं आप दोनों भी चलिए। अरे नाना हम तो यही ठीक है। मुकेश तुम जाओ, राम राम। इसे दरगाहों में माथा टेकने से बाबूजी थोड़े ना ठीक होने वाले हैं। बाबूजी को दुआ की नहीं दवा की जरूरत है, कौन समझाएगा इनको? आप ऐसी कड़वी बातें काहे करते हैं? अगर ये सब करके इनके दिल और दिमाग को सुकून मिलता है तो इसमें बुरा क्या है? ये गाड़ी ट्रेस हुई 18 सितंबर की सुबह को 12 फीट पानी के अंदर। तनवर फैमिली समोहा के फकीर दौला की दरगाह के लिए जा रही थी, पर कुछ लोग रात में ही वापस भी लौट रहे थे। आधे रास्ते से वापस लौट आना और फिर ये एक्सीडेंट, रोड से हटकर झील में जाकर गिरना। ड्राइवर की आंख लग गई होगी, लेकिन इतनी भी आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो सकती है गाड़ी? गाड़ी में और लोग भी थे। गाड़ी के साथ साथ इस केस में कई सारे सवाल और जवाब भी आउट ऑफ कंट्रोल थे, एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे थे।
वो देखा तुमने? हाँ, वो गाड़ी तो पूरी पानी में गिर गई। अब क्या करेंगे? असल में वहाँ क्या हुआ हमको भी नहीं पता है सर जी। सुबह दूध वाला हमको बता रहा था कि पुरनिया झील में कोई गाड़ी गिरी है। उसने अपनी आंख से नहीं देखा, उसे भी किसी और ने बताया। ठीक है मुखिया जी, हम भी तुरंत निकल रहे हैं। मोनू संभल के। सब हम लड़के को भेजे हैं पानी में। पहले किसने देखा? कौनों को नहीं पता कि पहले किसने देखा है, पर गांव में खबर फैल गई। मोनो। हाँ मुखिया जी, एक गाड़ी मिला है, काले रंग का है, बड़ा सा गाड़ी, करीब 12 फुट नीचे होगा पानी के, एकदम जम गया है। गाड़ी के अंदर लोग भी है क्या? हाँ साहब, कुछ लोग हैं। एक नहीं, दो एम्बुलेंस चाहिए। चौधरी मुझे कुछ नहीं पता, ट्रेन के ड्राइवर को बोल पुरनिया झील के नियालपुर गांव वाले छोर पर पहुंचे जल्दी। चौधरी 5 मिनट के अंदर मुझे क्रेन चाहिए। तेरी बहानेबाजी नहीं सुननी है मुझे, समझा तू? 5 मिनट में यहाँ क्रेन चाहिए, मतलब चाहिए, वरना तू देख ले। सर, सर। क्या बात है? यहाँ क्या हुआ सर? एक गाड़ी दिस गई झील में। गाड़ी कौन सी थी सर? गाड़ी काले रंग की बड़ी गाड़ी थी सर। ये लोग है क्या गाड़ी में? अभी गाड़ी बाहर निकली नहीं, और तुम फोटो लेकर पहुंच गए। हमारी फैमिली समूह जा रही थी, पर बाबूजी, अम्मा और ये जानवी छोटी बहन, वो लोग वापस घर लौट रहे थे साहब। वो काले रंग की गाड़ी में आ रहे थे साहब, जैसे आप बोल रहे हो। हमारा छोटा भाई मुकेश, उसकी पत्नी आरती, वो कहीं आगे रुके हुए हैं मंदिर पर। उसका फोन आया हमको कि वो लोग लौट रहे हैं। हम आते वक्त देखे सर यहाँ पर। गाड़ी बाहर निकलने में अभी टाइम है, तब तक अपने भाई और भाभी को फोन करके पता करो। सुबह बात हुई थी उससे सर, अब तो किसी का फोन ही नहीं लग रहा सर। देखो गाड़ी बाहर निकलने के बाद ही हम बता पाएंगे कि उसमें कौन कौन है। ठीक है, हम एक काम करते साहब, बाकी लोगों को लेकर आते हैं। रुको। हाँ सर। अजीत, उनके साथ जाओ और वापस लेकर आना। आओ भाई जल्दी। जल्दी चल, और जब अम्मा बाबूजी और जानवी घर नहीं पहुंचे तो हम इस तरह बाहर निकल गए, तो रास्ते में पता चला कि नियालपुर के झील में गाड़ी गिर गई है, और वो भी काले रंग की। क्या बात कर रहे हो किशन? उस गाड़ी में तुम्हारी मालती चाची भी है। अरे वो ड्राइवर संदीप ले गया था उन्हें, बाबा कलीम भी थे गाड़ी में। हां चल, आरती।
ये क्या कह रहे हैं आप? जल्दी चलो। क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? जिंदा बचा है कि नहीं? हे भगवान, सब जिंदा हो। यही तीन लाशें मिली, और कोई नहीं है गाड़ी। एक बार फिर अंदर जाकर देखो, लगता नहीं है इन तीनों में से कोई गाड़ी चला रहा था। जाओ जाओ जाओ। सर, ये दो बुजुर्ग तो हैं, लेकिन ये लड़की मौजूद नहीं है गाड़ी, और उस औरत का फोटोग्राफ नहीं दिया गया। पूरा का पूरा छान मारो, एक लड़की और ड्राइवर अभी भी अंदर होने चाहिए। तीनों मर चुके हैं। गाड़ी में और कौन कौन था? सर, हमारी छोटी बहन जानवी, बाबा कलीम कुरैशी और ड्राइवर संदीप, वो तीनों कहाँ हैं सर? सर, पानी में और कोई बॉडी है नहीं। तीन लोग और थे गाड़ी में, दो आदमी और एक लड़की। शायद वो तीनों बाहर निकले होंगे और बह गए होंगे सर। एक बार और चेक करो, अंदर तक जाओ। जी सर। देखिए मुखिया जी, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि गाड़ी को सबसे पहले पानी में जाते हुए किसने देखा था। मैडम जी, वही तो नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ कानों तक बातें आ रही है कि इसने देखा उसने देखा, बस। गाड़ी में तीन लोग और थे और वो लाशें मिल नहीं रही है। हो सकता है वो लोग बच गए हों या उनकी लाशें कहीं बह के चली गई, पता तो चले। हम गांव वालों के साथ सख्ती से पेश आते हैं, उनसे पूछते हैं सबसे पहले किसने देखा और वो सामने काहे नहीं आ रहा है। मैडम, पूरी गाड़ी छान मारी, कोई मोबाइल नहीं मिला। टोइंग वालों का इंतजाम करो, गाड़ी थाने लेके जाना होगा तुरंत। मुकेश, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे लिए जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। हमको ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस सवेरे 4 बजे के करीब मुकेश का हमको फोन आया। हाँ मुकेश, कहाँ पहुँचे? किशन भैया, अम्मा, बाबूजी, मालती चाची जानवी और बाबा कलीम को संदीप घर वापस लेके आ रहा है। कहाँ आ रहे? हाँ, बाबूजी की तबीयत ठीक है ना? पता नहीं किशन भैया, सबकी हालत खराब है। आप जल्दी से गाड़ी लेकर मंदिर के पास आ जाइए। मंदिर? कौन सा मंदिर? अरे वो नियालपुर के आगे बाईपास रोड पड़ती है ना, वहीं पर ही बैठे हम। एक मंदिर है छोटा सा पेड़ के नीचे, हम चाचा जी और आरती वहीं बैठे हैं, आप जल्दी से आ जाइए। अरे कुछ बताएगा भी मुकेश? अरे किशन भैया, आप बस ये देख लीजिए कि बाबूजी या
जानवी और अम्मा जी पहुंचे या नहीं पहुंचे ठीक से। सर हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हमको मुकेश ने सिर्फ इतना बताया कि सबकी हालत खराब है। मुकेश कल दिन में तुम्हारी पत्नी आरती, तुम्हारे माँ बाबूजी, उमेश जी, माधुरी जी, तुम्हारी छोटी बहन जानवी, तुम्हारे चाचा रघु जी, इनकी पत्नी मालती, बाबा कलीम कुरैशी और ड्राइवर संदीप कहाँ के लिए निकले थे? समोहा के लिए, वहाँ के फकीर दौला की दरगाह पर जा रहे थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप लोग बीच रास्ते से ही लौट आए और आप तीनों आगे वाले मंदिर पर रुक गए? सर हम सभी एक जगह रुके डिनर के लिए और उसके तुरंत बाद ही सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। मुकेश भैया अब मैंने कुछ चक्कर सा आ रहा है और उल्टी जैसा भी हो रहा है। बहुत अजीब सा लग रहा है। हमें भी लग रहा है। हमको भी बहुत नींद आ रही है। मुकेश बेटा तेरे बाबूजी तो बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं। वो खा के मेरा सर भी बहुत चकरा रहा है बेटा। हमको भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। संदीप झपकियां ले रहा है, कैसे चलाएगा ये गाड़ी? गड़बड़ से लग रहा है मुकेश भैया, ऐसे में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सुनिए कहीं गाड़ी रोकते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। संदीप आगे ना कहीं गाड़ी रोक दो। हाँ बिगड़ रही है। आराम से भैया, बाबूजी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। हमें नहीं लगता कि वो आगे जा पाएंगे। की हालत खराब है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। बेटा बाबूजी को घर ले जा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अस्पताल ले जा बेटा। गाड़ी कौन चलाएगा, सबकी हालत आप देख ही रहे हैं। संदीप जी आप गाड़ी चला लेंगे? चला तो लेंगे लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं, पता नहीं कहाँ आग लग जाए। हम वापस घर जाने की सोच रहे हैं सीमापुर। बाबूजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। चलो वापस चलते हैं। नहीं मुकेश जी, हम थोड़ी देर यहीं सोना चाहते हैं। आप इन सबको जाने दीजिए ना, आप यहीं ठहर जाइए। मुकेश भैया हम अम्मा और बाबूजी को लेकर घर जाते हैं। अपनी चाची जी को भी साथ ले जाओ, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हम यही मुकेश और आरती के पास रुक जाते हैं। ठीक है तुम लोग निकलो तुरंत और वहाँ पहुँचते ही किशन भैया को बोल देना एक गाड़ी भेज दे हमें पिक करने के लिए। ठीक है अम्मा चाची। बाबा कलीम तो गाड़ी से उतरे ही नहीं, मानो जैसे गाड़ी में बेहोश पड़े थे। फिर गाड़ी वापस जाने के लिए निकली और हमने किशन भैया को फोन किया। ये जो आप सबकी एक साथ तबीयत खराब होने लगी थी ये डिनर करने के बाद हुई थी? हाँ सर ऐसा ही लगता है। कहाँ खाया था खाना आप लोगों ने? आहा। 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 आहा।
पतलगढ़ के आगे वो ढाबा पड़ता है। ड्राइवर संदीप ने कहा था, अरे वो दाल मखनी सबसे ज्यादा फेमस है संतराम ढाबे की, बाकी खाने बहुत बढ़िया। मुकेश भैया वही खाते हैं? हाँ, रात 9 बज गया है तो खा ही लेते हैं। मुकेश भैया, बाबूजी के भी दवाई का टाइम हो गया है ना, तो कुछ खा लेते हैं। अरे संदीप, संतराम ढाबा पहुँचने में कितनी देर लगेगी? अरे बस यही रहा, 2 मिनट में आ जाएगा। डिनर से पहले जब आप लोग चले तब किसी को भी नींद या भारीपन ऐसा कुछ लग रहा था? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ था। हमें तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी आरती और तुम्हारे चाचा रघु जी का मेडिकल करवाना होगा। सर, हमारी छोटी जानवी थी, वो कहाँ है सर? हमारे ड्राइवर्स आपकी छोटी बहन जानवी, बाबा कलीम कुरैशी और ड्राइवर संदीप को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको बता देंगे। या तो तीनों मिलते या तीनों में से एक या दो मिलते और या फिर कोई नहीं मिलता। सब लोगों का एक साथ बीमार पड़ जाना, कुछ लोगों का पीछे रह जाना और फिर बड़े भाई किशन तनवर का फैमिली फोटो के साथ क्राइम सीन पर पहुंचना। सर, इस केस में सर से लेकर पांव तक साजिश नजर आ रही है। नींद की गोली वाले एंगल से एक बात तो साफ हो गई थी कि ये एक्सीडेंट का केस कतई नहीं था, लेकिन सवाल यह था कि साजिश क्या थी, मकसद क्या था। वो अब भी जो सामने था उससे कई फीट नीचे डूबा हुआ था और तीनों की बॉडी में एबनॉर्मली हाई डोसेज है इसके। डॉक्टर, गाड़ी में 3 लोग और थे जो अभी तक मिले नहीं, और 3 लोग जो गाड़ी में चढ़े नहीं थे उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। वैसे डॉक्टर, इनकी मौत डूबने की वजह से हुई होगी या फिर वजह कुछ और थी? मौत डूबने से ही हुई है, और सेडेशन किस लेवल पर, इतने बेहोश रहे होंगे कि इनको पता भी नहीं होगा कि गाड़ी कब झील में गई। किसी ने बचकर निकलने की कोशिश भी नहीं की होगी। डॉक्टर, गाड़ी में कुल मिलाकर 6 लोग थे, 2 मर्द और 1 जवान लड़की अभी भी मिसिंग। जब तक वो मिल नहीं जाते या उनकी बॉडीज नहीं मिल जाती तब तक ये तय कर पाना इम्पॉसिबल है कि उनके ब्लड स्ट्रीम में कितना अक्रम हो रहा हो। आपका ये केस एक्सीडेंट या ड्राउनिंग का लगता नहीं है। इस सैटरडेड कंडीशन में कोई ड्राइवर गाड़ी चलाएगा भी कैसे? ड्राइवर से बोलो झील को थोड़ा सर्च करें ढंग से, बॉडीज इधर उधर जा भी सकती है बह के, समझे? हाँ जी कहिए। साहब, मुकेश भैया का फोन आया था, कह रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, हमारे पति संदीप की कोई खबर मिली क्या? संदीप वर्मा ड्राइवर जी, हमारी ही गाड़ी है, खुद ही ड्राइवरी करते हैं। संदीप के साथ में 2 बॉडीज और गायब है। आप ऐसा करिए, आप अपना मोबाइल नंबर और संदीप का एक फोटो दे दीजिए। ये सब क्या हो गया? हम लोग तो एक नेक काम के लिए निकले थे ना घर से। हम तो बस यूं ही उमेश भाई साहब का हाल चाल पूछने आए थे। ये सब कैसे हो गया? ये रिपोर्ट। सिर्फ मुकेश तनवर और रघु तनवर के ब्लड स्ट्रीम्स में नींद की गोली है। मुकेश और रघु तनवर दोनों के ब्लड स्ट्रीम में आक्रमण के हेवी डोजेस मिले हैं, जबकि मुकेश की बीवी आरती के ब्लड स्ट्रीम में कोई ट्रेसेस नहीं मिले। वैसे आरती 4 महीने से प्रेग्नेंट है, मुझे मुकेश ने भी बताया। शायद आरती ने ढाबे का खाना खाया ही ना। भाभी खाइए ना थोड़ा सा, वरना हमारा भतीजा या भतीजी पेट में नारेबाजी करेंगे। हमारा सच में बिल्कुल मन नहीं है जाने। बेटा थोड़ा खा लेती। अम्मा रहने दीजिए ना, जबरदस्ती खाएगी तो उल्टी उल्टी हो जाएगी रास्ते में। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? ना अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस सफर के दौरान कुछ भी खा लेने से ना जी ऊपर को आता। हम वहाँ पहुँच कर खा लेंगे ना कुछ पक्का। अरे अम्मा, वो परांठे लाए ना घर से, थोड़े से बचे हैं, भूख लगेगी तो रास्ते में खा ले। परांठा भी उसने आधा ही खाया था। तो सिर्फ और सिर्फ आरती जी ऐसी थी जिन्होंने ढाबे का खाना नहीं खाया था? हाँ सर, दरअसल मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उस वक्त उसका ढाबे में खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा था। अच्छा, ये आपका फकीर दौला की दरगाह पे जाने का प्रोग्राम कब बना? मतलब ऐसे ही बना या फिर कोई मन्नत वगैरह मांगी थी? सर, मन्नत ही मांगी थी और इसलिए माथा टेकने जा रहे थे। प्रोग्राम तो मुकेश और बाकी लोगों ने बनाया था। तुम लोग अलग रहते हो? बगल वाली गली में रहते हैं। तुम दोनों नहीं गए मत्था टेकने? हम इन सब चीजों में नहीं मानते सर। ये कभी भी नहीं गए उनके साथ? कभी भी? मतलब ये लोग रेगुलर जाते थे दरगाह पर? नहीं सर, समाह के फकीर दौला के दरगाह पर पहली बार जा रहे थे, लेकिन इसके पहले 10 बार सिकंजगढ़ के पीर वाजिद दरगाह पर माथा टेकने गई थी पूरी फैमिली। सिकंजगढ़ 10 बार? मतलब ये रेगुलर प्रोग्राम था? हम बल का या मोसे आसम का।
बार पीर वाजिद की दरगाह पे जाना, ये भी बाबा कलीम कुरैशी के कहने पे हुआ था? हाँ सर, दरअसल हम सभी बहुत परेशान थे बापूजी की तबीयत को लेकर। डॉक्टर, हमारे बाबूजी कैसे हैं? हम उनसे मिल सकते हैं का? एक दो घंटे के बाद मिल सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं, ये एक स्ट्रॉन्ग पैरालिटिक स्ट्रोक था। उनकी बॉडी की राइट साइड की फंक्शनिंग इस वक्त ऑलमोस्ट नील है। बाबूजी ने हम सबके लिए पूरी जिंदगी दे दी, पूरी मेहनत की, अब हमारी बारी थी उन्हें संभालने की, उन्हें ठीक करने की, उन्हें आराम देने की। फिकर सभी को थी, सभी अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों मुकेश, आरती, जानवी को दवा से ज्यादा दुआ असरदार लगने लगी थी। अम्मा ने भी हर दूसरे दिन नए नए व्रत रखने शुरू कर दिए थे। एक ऐसा धार्मिक स्थल नहीं होगा जहां जानवी नंगे पैर नहीं गई, फिर चाहे तपती धूप हो या बारिश। फिर आदम का ये बाबा कलीम कुरैशी पहले 10 बार पीर वाजिद दरगाह के चक्कर कटवाए, फिर मुकेश से कहा फकीर दौला के दरगाह जाते। इतने बड़े बुजुर्गान दीन बाबा फकीर दौला का नाम सामने आया, मतलब बुलावा आया है। अब नाम आया है तो हो आते, ज़ियारत करने में नुकसान नहीं है, शिफा है। अब हम भी आप लोगों के साथ आएंगे। कल का प्लान बना है बाबूजी, देखना इस बार आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तो पूरी फैमिली में से सिर्फ तुम और तुम्हारी पत्नी जया, बस तुम दोनों नहीं गए? हमने कहा ना आपको सर, हमको विश्वास नहीं है इन सब व्रतों और मन्नतों में। इस बात को लेकर तो एक बार मुकेश और जानवी से हमारी लड़ाई भी हुई थी। मुकेश, 10 बार सिकंजगढ़ के दरगाह पर माथा टेक कर आए हो तुम लोग। अब वो बाबा कह रहा है कि समोहा के फकीर दौला के मजार पर चलना है, वो भी 10 बार होगा, 10 बार माथा टेकोगे? मतलब ये अति नहीं हो रहा का? भैया, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो बाबूजी के लिए कर रहे हैं ना, बाबूजी के लिए कुछ भी अति कैसे हो सकता है? और भैया, आपको ऐसा लगता है कि हम फ्रॉड वॉड के चक्कर में पड़ गए हैं? बाबा ढोंगी, बाबा कोई ढोंगी होंगी नहीं है। बाबूजी का इलाज डॉक्टर लोग कर ही रहे हैं, जितना मुमकिन है उतनी रिकवरी हो रही, उतनी ही होगी। तो कहां ये बाबा हुआ कि चुंगल में फंस गए यार? ये बाबा लोगों का काम है अपना जेब भरने के लिए सब नौटंकी करते हैं, इन सब में कुछ सच्चाई नहीं रखी है। और ये पैरालिसिस का दुआ से ठीक होता है का? भैया, आपको इस सब पे विश्वास नहीं है ना, तो आप मत करिए, लेकिन हमें विश्वास है तो हमें तो करने दीजिए। और हम तो कहते हैं भैया, आप और जया भाभी भी चलिए हमारे साथ और मन से बाबूजी के लिए दुआ मांगे। रहने दो मुकेश, बाबूजी को हम मन से प्यार करते हैं, उनका भला चाहते हैं, हमें ये मांगने उन्हीं की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन है वो सच्चा है। तो हमारा मन झूठा है का? खोट है हमारे मन में। जब वो लोग फकीर दौला के दरगाह के लिए निकल रहे थे तब भी हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सब के सब को ले जा रहे हैं फकीर दौला के दरगाह में, ऐसे सफर पे निकलने के वक्त रोका नहीं करते। हमको बड़ा बुरा लगा सर, जब ये उन लोगों को ऐसे टोक दिए, मानो कोई अपशगुन हो गया वो। अब तू शुरू मत ही होना साहब, हमसे सहन नहीं होता ये सब कुछ, ये सब अंधविश्वास। हम तो बाबूजी को बस पूरी तरह से ठीक होना देखना चाहते थे, क्या से क्या हो गया, सब खत्म हो गया। बाबूजी, अम्मा, चाची और शायद हमारी जानवी भी। सर, डाइवर्स अभी तक झील में ढूंढ ही रहे हैं, पर लगता है वो तीनों बह गए कहीं दूर। कुणाल, अपनी टीम से कहो कि कोशिश जारी रखे, हमें यहां क्रिमिनल साजिश के आसार नजर आ रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो संजू, दूध वाला हमसे बताया है कि रमेश ने उसे बताया, हम रमेश से भी मिले। ऐसा करते करते हम उन सभी लोगों से मिले जिन जिन लोगों ने ये बातें सुनी थी और आगे पहुंचाई थी। और आखिर में किसका नाम आया? तुम्हारा। अब तुम ये बताओ कि तुमने क्या देखा और ये सब बातें हमसे और पुलिस वालों से क्यों छुपा रहे थे? सच सच बोलना संजू, नहीं तो पुलिस है ना, तुमसे सच उगलवा लेगी।
भैरव सिंह। कारे भैरव, वो मुखिया का है बुलावा भिजवा रहे तो के? बापू हम कुछ किए ही नहीं है, हम जाके देखते काहे बुलाए हूँ। ठीक है, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तनवर फैमिली यहाँ रुकी, यहाँ पे इन्होंने खाना खाया, खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें नींद और चक्कर आने लगे। ऑर्डर किसने लिया था? मैडम वो पार्टी टेबल नंबर 7 और 8 पर बैठे थे, यही वेटर था ड्यूटी पर, पंकज साय नाम है इसका। नमस्ते मैडम। खाने में क्या मिलाया था तूने? खाने में हम कुछ नहीं मिलाए मैडम, हम तो वेटर हैं और हम अपना काम ईमानदार से करते, बस उस दिन ऑर्डर लिए और वो ऑर्डर अंदर किस रुपये को दिए। रे पंकज, 7-8 का ऑर्डर रेडी है, रे ले जाओ फटाफट। 9 नंबर का भी रेडी है पंकज, लेते जाओ। किशोर भैया बताइए तो, कल रात को खाने में क्या मिलाए थे आप? हम कब मिलाए मैडम, ये मिलाना विलाना सब दोपहर में हो जाता है, ग्रेवी अलग से बना हुआ होता है, ऑर्डर आया तो बस सब्जी मिला दी ग्रेवी में। तेरे हाथ का बना खाना खा के उन सबकी तबीयत बिगड़ गई, हवा खा के तो नहीं हो सकता ना ये सब? देखिए मैडम, अगर हमारे ढाबे में किसी ने कुछ मिलाया होता तो यही पार्टी क्यों, और भी लोगों ने ढाबे पे खाना खाया, उनकी तबीयत भी खराब होती, उनकी कंप्लेंट्स भी आपके पास आती ना। ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? सबको एक साथ नींद आ जाना, उल्टियां करना, गाड़ी का झील में धस जाना, 3 लोगों का गायब होना, सब एक षड्यंत्र है। हमको भी षड्यंत्र ही लग रहा है जया, बाबा कलीम पर तो हमको पहले से रत्ती भर भरोसा ना था, हमको हमेशा से वो खटक रहा था। मुकेश अचानक ये सब व्रतों मन्नतों के बीच वो बाबा को कहां से उठा के लेकर आया था? हमारा मुआयना पूरा हो चुका है और हमने पता लगा लिया है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो आपके घर पर हावी है। आज रात हम अपने इबादत के दम से उन ताकतों से बात करेंगे और इंशाल्लाह कल हमारे पास हल होगा कि आपके पिताजी कैसे ठीक होंगे। बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको शिफा जरूर मिलेगी। आप सिर्फ चलेंगे ही नहीं बल्कि दौड़ेंगे, मेरा वादा है आपसे। पापा जी प्लीज, आप कुछ भी करिए लेकिन मेरे बाबूजी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। सारी दुआ सारी शिद्दत तो तुम्हारी है, हम तो बस एक कड़ी हैं, तुम्हारी शिद्दत और हमारी इबादत अगर मिल जाए तो तुम्हारे बाबूजी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। सिकंजगढ़ वाले पीरवाजीत की दरगाह तक ठीक था लेकिन बात उठी थी फकीर दौला के दरगाह पे जाने की। हाँ तो बता दिया ना उनको, ये सारा प्लान बाबा के कहने पर बना था, और क्या बताता पुलिस को? फकीर दौला, मैंने बोला फकीर दौला, सुनाई दिया ना फकीर दौला। ऐसा जरूरी तो नहीं ना, जो हमने सुना वो किसी और ने नहीं सुना होगा। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि 3 लोग अभी तक मिले ही नहीं हैं। हाँ, वो लड़की जानवी, बाबा कलीम कुरैशी, वो टैक्सी के ड्राइवर संदीप वर्मा, तीनों का। ये भी सुना जा रहा है कि सबको सुलाया गया था नींद की दवा खिला के, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं था। तो अपने काम पे ध्यान देना,
देख अब उनके घर में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था इसे तुझे क्या लेना देना। वैसे वो तो बहुत कुछ रहा था। अच्छा जी, आज आप यहीं रुक जाइए, हम दोनों को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। हम अपने घर जाके करेंगे भी क्या, हम लोगों के खाने में कुछ मिलाया था क्या किसी ने ढाबे में? कौन मिलाया होगा? कहाँ बना चाचा, वो तो भगवान का शुक्र है कि इसने कुछ नहीं खाया, वरना कहाँ होता हमारे बच्चे का। सर मेरे ड्राइवर्स मगरमच्छ के जोन तक हुआ है, उन्होंने तो मगरमच्छ को भी देखा है, मैं उनको उस जोन में भेज नहीं सकता, मैं बोलूंगा अभी तो वो जाएंगे नहीं। कोई तो तरीका होगा आगे बढ़ने का। सर मगरमच्छ के जोन तक तो लाशें नहीं मिली, अगर उसके आगे गई होंगी तो ये भी तो हो सकता है सर उनको मगरमच्छ ने खा लिया होगा। कुणाल ये झील 6 गांवों को टच करती है, हो सकता है वो आगे जाकर डूबे हों जहां पर मगरमच्छ ना हो। हो सकता है सर, लेकिन ड्राइवर्स एक दिन में कितने डाइव्स लगाएंगे? अगर उस जोन में होगी एक दो दिनों में ऊपर आ ही जाएंगी और 6 गांव में से किसी न किसी किनारे दिख जाएंगी। कुणाल हम 2 से 3 दिन बॉडीज का अपने आप ऊपर आने का इंतजार नहीं करेंगे। तुम जितना हो सके अपने आदमियों को फैलाओ, उनसे सेफ एरिया में डाइव्स लगवाते रहो। सर फोरेंसिक टीम 2 बारी गाड़ी को चेक कर चुकी है। जी सर, मैं 3rd और फाइनल स्कैन शुरू ही करने वाला हूँ, बट बता दूं कि कुछ शो अप होने के चांसेस लगभग नहीं लिए हैं। गाड़ी में एक भी माइन्यूट सुराग ऐसा नहीं मिला जिसको देखकर ये कहा जा सके कि गाड़ी में झड़प हुई है या छेड़छाड़ की गई हो। लेकिन सर जिस तरह से ये मामला हम लोग के सामने आया है कुछ तो प्रीप्लान लग रहा है। इस तरह से फकीर दौला की दरगाह पे जाने का आइडिया, उसके बाद एक बड़ी गाड़ी में पूरी फैमिली का एक साथ निकलना, फिर एक खास ढाबे पे रुकना, उस ढाबे पे सबके खाने में नींद की दवा मिलाई गई, फिर सबको नींद और चक्कर आना, उसके बाद उस खास मंदिर पे सबका एक साथ रुकना, फिर कुछ लोगों का वहां रुक जाना और कुछ लोगों का वापस निकल आना। सर मानो किसी ने चेक बॉक्सेस बनाया और सब एक साथ टिक होते गए। और सर 9 लोगों में से सिर्फ आरती तनवर ऐसी थी जिसने उस ढाबे का खाना नहीं खाया। वो प्रेग्नेंट है, मन नहीं किया उसका खाने का, बहाना था उसके पास, और उसके ब्लड स्ट्रीम से कोई स्लीप इंड्यूसिंग सब्सटेंस भी नहीं मिला। जाहिर है ढाबे के खाने में कुछ मिलाया गया हो। सर उसी वक्त कई और लोगों ने भी वहां पे खाना खाया था। सर मैंने कुछ लोगों को ट्रेस किया और पता किया तो बाकी सब ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। शायद साजिश घर के अंदर से ही रची गई होगी। देखो पहले बाबा का फैमिली में आना, फिर 10 बार सिकंजगंज पीर वाजिद की दरगाह पर जाना, उसके बाद अचानक से फकीर दौला की दरगाह पर जाने का आइडिया आना। पर सर बाबा को इस फैमिली में लाने वाला ये मुकेश तनवर था, कहीं ऐसा तो नहीं हम बाय डिफॉल्ट बाबा पे शक कर रहे हैं और असली मास्टरमाइंड ये मुकेश हो? उसी ने अपनी बीवी को मना किया और ढाबे का खाना नहीं खाने के लिए। सर एक प्रेग्नेंट औरत एक फेमस ढाबे का गरम गरम खाना छोड़कर ठंडे पराठे क्यों खाने जाएगी? चाचा रघु और चाची मालती कभी भी किसी दरगाह या मंदिर पर नहीं गए इस फैमिली के साथ, लेकिन फकीर दौला की ट्रिप को लेकर अचानक से तैयार हो गए। सर रघु तनवर पूरी तरह टूट चुका है, कह रहा है कि उमेश के घर यूं ही चला गया था और इस ट्रिप में भी यूं ही शामिल हो गया। चाचा रघु और चाची मालती, क्या इन दोनों को इस साजिश में शामिल किया गया या फिर ये दोनों खुद शामिल थे? रघु टूटा हुआ है, शायद जनरली टूटा हुआ या फिर टूटने की एक्टिंग कर रहा है। कोई तो है जो टूटने की एक्टिंग कर रहा है। सर ये बड़ा भाई किशन ये फैमिली से अलग रहता था और ये इस ट्रिप में शामिल नहीं हुआ था। उसका इस सब पर विश्वास नहीं था ऐसा उसका कहना है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक्सीडेंट मेरा मतलब क्राइम स्पॉट पर डायरेक्ट उसका अपने माँ बाबूजी और छोटी बहन का फोटो लेकर पहुंचना। लेकिन बाबा कलीम चाचा चाची और ड्राइवर की फोटो नहीं, शायद किशन के पास उनके फोटोग्राफ्स नहीं होंगे। सर ये कॉल मुकेश ने सच में अपने भाई किशन को किया था या सब कुछ प्री प्लान था? फकीर दौला की ट्रिप पे निकले 9 लोग और पीछे रह गए 2 लोग किशन और जय, सबके फोन रिकॉर्ड्स निकलो अभी तुरंत, बैकग्राउंड फोन रिकॉर्ड्स सब कुछ चेक करो। अभी तक हमें 3 बॉडीज मिली और 3 मिलने बाकी, हो सकता है इनमें से किसी ने ढाबे पर खाना ना खाया हो, एक्टिंग की हो, तबीयत ठीक ना होने की। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुकेश भैया, ऐसे में गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। उनको भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चला तो लेंगे लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं है। सर मैं सबके फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाता हूँ अभी। सर लालपुर के मुखिया जगदीश जी आए, साथ में किसी को लाए, कह रहे हैं उस आदमी ने देखा था क्या हुआ। ये है भैरव सिंह,
किसी कारण उस वक्त ये सामने नहीं आया था, लेकिन हम खींच के लाए हैं अभी उसको। डर लग रहा है? जी साहब। चल नहीं पूछता कि पहले सामने क्यों नहीं आया, पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन जो जो सच है अब बता दे। सब हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन वो गाड़ी झील में अपने आप नहीं गई थी। तो क्या गाड़ी को किसी ने धक्का दिया था झील में? हाँ साहब, ऐसा हो सकता है साहब। देख बेटा, तूने जो देखा है वो बता सब कुछ। साहब वो गाड़ी कोई एकदम से लुढ़क कर पानी में नहीं गई थी। तो फिर पानी में कैसे गई? सब वो हमें नहीं पता साहब, पर हाँ साहब, हमने वहां पे किसी को भागते हुए देखा था साहब। किसे देखा था, पहचान पाएगा? हमने शक्ल नहीं देखी थी साहब, सिर्फ पीछे से देखा था, लेकिन हाँ साहब, आदमी था। देख के बताओ, इनमें से कोई था? साहब हम चेहरा तो नहीं देख पाए थे, पर हाँ, कपड़े कुछ इस तरह के पहने थे सर। इस तरह के मतलब? इस रंग के या इस किस्म के? पठानी पहना था? हाँ साहब। भैरव सिंह ने जो देखा क्या वही बताया था? कुछ छुपा तो नहीं रहा था वो? इशारा तो उसने बाबा कलीम कुरैशी पर ही किया, लेकिन इस पूरे केस में मिस्ट्री फकीर दौला की दरगाह वाले ट्रिप के पीछे ही लग रही थी। करेक्ट, बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था फकीर दौला की दरगाह की ट्रिप को लेकर, और ये राज खुला तनवर फैमिली की कोठी से रातों को जो आवाजें आती थी, उन आवाजों के राज के खुलने से। फकीर दौला, मैंने बोला फकीर दौला, सुनाई दिया ना फकीर दौला। तनवर परिवार की कोठी से आने वाली आवाजों ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाली सच्चाइयां रखी। कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आईं जो उस घर के अंदर होती आई थी, लेकिन पुलिस टीम को पता ही नहीं गई थी। त्रिपाठी, जो लोग इस ट्रिप पर गए थे और जो नहीं गए थे, किशन और जय, सबके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ अर्जेंट बेसिस पर। और सर, मैं इस पूरी फैमिली का कच्चा चिट्ठा निकालती हूँ, अगर ये बाबा इस साजिश में शामिल है तो जरूर मुकेश भी इसका हिस्सा होगा। 99% चांसेस है कि कल्प्रिट कोई घर के अंदर का ही है, जिसने इस बाबा कलीम को अपना हथियार बनाया। बाबा कलीम कुरैशी नाम है, नाम बदल सकता है लेकिन चेहरा इतनी आसानी से बदल नहीं पाएगा। समोहा, सिकंदगढ़, नियालपुर, सीमापुर, ये जहां कहीं भी हो मुझे ये आदमी चाहिए। सलाम मैडम। सीमापुर का एक परिवार है तनवर परिवार, तो उसके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल। वो नियालपुर के पुरनिया झील में जिनका एक्सीडेंट हुआ, वो नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। एक बाबा कलीम कुरैशी है, मुझे उस पे शक है। लालू तो एक काम कर, इस बाबा के साथ पूरे परिवार का कच्चा चिट्ठा निकाल। स्वाती। सर। तुम किशन, जया और रघु के फोन रिकॉर्ड चेक करो, अजीत, आरती और मालती के फोन रिकॉर्ड चेक करें। मेरे पास ड्राइवर संदीप वर्मा, उमेश तनवर और मुकेश तनवर के फोन रिकॉर्ड से। और सर, ये जानवी? जानवी के घर वालों ने उसे फोन लेकर नहीं दिया था। मेरी मुकेश और किशन से बात हुई और रघु के साथ मैंने क्रॉस चेक भी किया। अनबन किसके बीच सर? बड़े भाई किशन और छोटे भाई मुकेश के बीच। सर, भगवान का दिया काफी कुछ है सर। उमेश भाई साहब किसान थे, उनके पास काफी जमीन थी, 3-3 किराने की दुकान है जो किशन और मुकेश मिलकर संभालते हैं। सब अच्छा चल रहा है सर। जब तक उमेश जी सही थे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और जैसे ही उनके शरीर के एक साइड को लकवा मार गया, मानो परिवार का एक साइड सुन पड़ गया। वो साइड कौन सा था रघु जी? हम समझे नहीं सर। ढाबे पर आप लोगों के खाने में नींद की गोलियां मिलाई गई थी, वो नींद की गोलियां किसने मिलाई होंगी और कैसे मिलाई होंगी? आप कह रहे हैं हमारे परिवार में से ही किसी ने ये मर्डर्स करवाए? जी, मैं यही कह रहा हूं। कौन हो सकता है वो रघु जी? आप हमें किसी पे शक करने को कह रहे हैं? जी। बेटा पानी लेके आओ। सुनो बेटा मुकेश, तुम सबके लिए खाने का ऑर्डर दे दो, दाल मखनी यहाँ की तो फेमस है ही, 2-4 सब्जी भी मंगा लो, ठीक है? और भैया बाबूजी के लिए ना सलाद मंगवा दीजिए। अच्छा, मेनू कार्ड तो दो।
हम सब साथ ही बैठे थे, एक ही साथ खाना आया और हम सब खाने लगे। ये लीजिए। बाबा कलीम ने भी वही खाना खाया था? हाँ खाया, खाया ही होगा। अब सर इतना ध्यान से नहीं देखे थे कि कौन क्या खा रहा है, कितना खा रहा है। जब सब खा रहे थे तो उसने भी खाया ही होगा। ड्राइवर संदीप वर्मा और मुकेश? बता तो दिए सर आपको, सब साथ ही बैठे थे, साथ ही खाना खाए। अब हर किसी पे नजर तो नहीं पड़ती ना। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इसमें कोई साजिश है। साजिश तो हुई है रघु जी, गहरी साजिश हुई है, जिसका शिकार आपकी पत्नी मालती भी हुई। हम तो सब बस ऐसे ही मिलने चले आए थे, देखा कि सब दरगाह पर जा रहे हैं तो हम लोग भी तैयार हो गए। हमें नहीं पता था सर कि हम मालती को खो देंगे। आपके अपने भाई उमेश जी के साथ उनके खेतों में या उनकी दुकानों में कोई पार्टनरशिप थी, मेरा मतलब हिस्सेदारी? नहीं सर, हमारा हार्डवेयर का बिजनेस है, उमेश भाई साहब के साथ हमारी कोई भागीदारी नहीं थी। ये भैया जाओ ना, जाके पड़ोसी से पूछ लो कुछ उल्टा सीधा था क्या। कहे कुछ था क्या उल्टा सीधा? हाँ अब सब बात कर रहे हैं, खाने में नींद की गोली मिलाई थी फिर तो कुछ उल्टा सीधा होगा ना, पहले से ही था। पड़ोसी काफी खुसर पुसर कर रहे हैं। किसके बीच का बात था पहले का, मतलब किशन और मुकेश का? अब भैया बेकार में हमारी जुबान तो खुलवाओ नहीं, इधर की उधर करने की आदत है नहीं हमका। अरे भैया बता भी दो, कुछ तो बता दो। निर्मला? निर्मला? हाँ, तनवर कोठी से एक गली छोड़कर रहती है निर्मला। ये उमेश तनवर के फोन रिकॉर्ड से, और ये एक नंबर है। जी सर। 17 सितंबर रात 9:45 बजे उमेश को इस नंबर से मैसेज आया था, तब से नंबर स्विच ऑफ है, डिटेल्स निकलवाओ उसकी। और कोई नंबर्स किसी के भी फोन रिकॉर्ड्स में जिन पर जरा भी शक हो? नहीं सर, बस यही एक नंबर है, 9:45 बजे वाला मैसेज जो उमेश तनवर को आया था। और मुकेश के स्टेटमेंट के हिसाब से पार्टी ढाबे पर खाना खाने के लिए रात के तकरीबन 9 बजे रुकी। 9 बज गया है तो खा ही लेते हैं। बाबूजी की भी दवाई का टाइम हो गया है ना, तो कुछ खा लेते हैं। संतराम ढाबा पहुंचने में कितनी देर लगेगी? शायद ये मैसेज एक इशारा था ढाबे पर रुकने के लिए, लेकिन ये इशारा उमेश को क्यों दिया जाता? शायद मैसेज में ढाबे का नाम लिखा हो, उस ढाबे पर रुकने के लिए क्या गया हो, लेकिन मैसेज उमेश को क्यों किया गया? वो खुद भी तो मारे गए। सर फोन उमेश का था लेकिन इशारा किसी और को था, शायद कोई ब्लैंक मैसेज किया गया, शायद उमेश का फोन इस्तेमाल किया गया उस पूरी साजिश में। डिटेल्स आने देते हैं नंबर की, कुछ तो खुलासा होगा। इस पर्टिकुलर ढाबे पर खाना खाने का सुझाव ड्राइवर संदीप वर्मा का था। बाबा कलीम कुरेशी वहीं झील के पास भागता हुआ दिखा, हो सकता है संदीप वहीं कहीं छुपकर बैठा हो, दिखा नहीं। हो सकता है कलीम और संदीप दोनों ही इन्वॉल्व हो। ये दोनों इन्वॉल्व थे या इन्हें इन्वॉल्व किया गया था, इसका जवाब तनवर फैमिली की कोठी की दीवारों के पीछे छुपा था, जहां इस जुर्म का बीज बोया गया था। वो आवाजें जिन्हें रातों को काफी लोगों ने सुना था। फकीर दौला सुनाई दिया ना, फकीर दौला। वो बाबा कलीम कुरैशी को जिसको तुम ले आए थे मुकेश, सच बताओ वो सीधा आदमी था? कैसा सवाल है किशन भैया, और हम अपनी तरफ से कुछ तो कोशिश कर रहे थे बाबूजी के लिए, और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे थे, क्यों यही कहना चाहते हो तुम? सब जानते हैं कौन क्या कर रहा था और क्या नहीं, वैसे भी ये वक्त नहीं है ये बातें करने की। अम्मा बाबूजी नहीं रहे, चाची नहीं रही, अरे जानवी गायब है, और तुम कह रहे हो ये वक्त नहीं है बातों का? क्या कहना चाहते हैं आप किशन भैया? ये फकीर दौला जाने वाली बात, ये वो बाबा कलीम कुरैशी का कौन प्लान था ना? हम बाबूजी के लिए दुआ मांगने गए थे किशन भैया, आप तो हमारे साथ कभी गए नहीं कहीं भी, अब यहाँ रहकर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। जी वो मुकेश जी घर पर नहीं है। मुझे मुकेश जी से नहीं आपसे बात करनी है।
एक मिनट किशन भैया, आप बाबा कलीम पे शक कर रहे हैं या डायरेक्ट हम पे शक कर रहे हैं? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हम इशारा कर रहे हैं एक साजिश की तरफ, क्योंकि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि फकीर दौला जाने का मकसद वो बाबूजी के लिए दुआ मांगना तो नहीं था। आपका सवाल हमारी समझ नहीं आया। आरती जी, आपके चेहरे ने मुझे सब जवाब दे दिया है, पर फिलहाल मुझे जबानी जवाब चाहिए। क्या दोनों भाई मुकेश और किशन की आपस में बनती है? जी हाँ, बिल्कुल बनती है, क्यों नहीं बनेगी? हमेशा से? जी हमेशा से। दोनों भाइयों की काफी अच्छी जमती है एक दूसरे से। और तीसरे से? जी जी, तीसरे भाई जीवन के साथ दोनों भाइयों की जमती थी। किशन और मुकेश के बारे में जो पूछ रहे हैं, आपको जीवन तनवर के बारे में भी पूछना चाहिए। कौन जीवन तनवर? मुकेश और किशन का बड़ा भाई, 4 साल पहले एक्सीडेंट में ही डेथ हो गया था उसका। एक्सीडेंट ही था क्या? अब ऐसा है ना मैडम, सड़क पे होने वाले हर केस को एक्सीडेंट ही माना जाता है। अब ये गाड़ी पानी में गिरा तो एक्सीडेंट ही माना जा रहा था, लेकिन जब ये नींद की गोली वाला एंगल सामने आया तो पता चला कि मर्डर है। आरती जी, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है, क्या बड़े भाई जीवन के साथ मुकेश और किशन की जमती थी? वैसे जीवन की मौत भी एक एक्सीडेंट में हुई थी ना? हमें आपके सारे इशारे समझ में आ रहे हैं मैडम। जीवन जी की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी 4 साल पहले, और तब हम उनकी पत्नी थे। हमें मालूम है कि अब आप इस बात पर भी आएंगे, 25 साल के थे हम जब विधवा हो गए थे। हमारे सास ससुर ने हमें अपनी बेटी की तरह रखा है, और 3 साल बाद मुकेश जी ने हमसे शादी की। बस यहीं तक पहुंचना चाह रही थी ना, यही पता लगाया होगा, और आप आकर हमसे ऐसे सवाल कर रही हैं जैसे जीवन जी की मौत के पीछे कोई बहुत गहरा राज है जो मुकेश जी से जुड़ा होगा। और आप उस एक्सीडेंट को इस एक्सीडेंट के साथ कैसे जोड़ सकती हैं? और हम आपको एक बात और साफ साफ बता दें, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे शरीर में से वो नींद की गोलियों का असर नहीं निकला है, क्योंकि हमने उस रात उस ढाबे पर खाना खाया ही नहीं था। हम माँ बनने वाले, नहीं मन किया हमारा, इसलिए नहीं कि हमको पता था कि उस खाने में कुछ मिलाया गया है, इसलिए नहीं कि हमें मालूम था कि हमारे पति और हमारे जेठ किशन जी ने मिलकर कोई साजिश रची होगी। आपके पति मुकेश जी से और आपके जेठ किशन जी से हमने पूछा कि फकीर दौला की दरगाह पे जाने का प्लान कैसे बना। अच्छा, ये आपका फकीर दौला की दरगाह पे जाने का प्रोग्राम कब बना? मतलब ऐसे ही बना या फिर कोई मन्नत वगैरह मांगी थी? सर मन्नत ही मांगी थी। पहले 10 बार पीर वाजिद दरगाह के चक्कर कटवाए, फिर मुकेश से कहा फकीर दौला की दरगाह जाते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब झूठ बोल रहे हैं? उसका पता हम लोग लगा लेंगे, पर फिलहाल आप हमें ये बताइए, क्या बाबा कलीम कुरैशी, जिसके कहने पे आप लोग सिकंजगढ़ के पीर वाजिद की दरगाह पर गए 10 बार और फिर समोहा के फकीर दौला की दरगाह पर निकल पड़े, ये बाबा कलीम कुरैशी आपके यहाँ रुकता था रातों को? नहीं तो, मतलब नहीं रुकते थे। ये बात हम आपको कैसे बता सकते हैं कि रात में बाबा कलीम बाबूजी के घर रुकते थे या नहीं? ये सवाल आप मुकेश भैया या फिर आरती भाभी से पूछिए। आरती ने कहा वो रात को वहां नहीं रुकते थे। जया जी, आप और किशन उस घर में रहते नहीं थे, पर वहां की खबर तो जरूर रखते हो। कैसी खबर? वो जो सुनाई देती थी, रातों की चीखें। चीखें? जी, रात के सन्नाटे में आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। मैंने बोला फकीर दौला। ये फकीर दौला की दरगाह जाने वाली स्टोरी में खोट है मैडम। कैसा खोट? ये तनवर परिवार की एक पड़ोसन है, समझो हमारी बिरादरी की है। फकीर दौला, क्या कहा मैंने? फकीर दौला, क्या नाम लिया मैंने? फकीर दौला। भूतों और पागलों वाली आवाज में ना चिल्लाता था कोई। ये तनवर कोठी से आवाज आता था क्या? हाँ, ये आवाज यहीं से आती थी। और ये चिल्लाता कौन था? हमें नहीं पता, और हम ना कभी जानने का कोशिश भी नहीं किए, डर लगता था भाई। अब देखो ना, 3-4 रात ना ऐसे ही चिल्लाने का आवाज आया, और फिर सब के सब निकल पड़े वही फकीर दौला की दरगाह पे, और फिर हो गया इतना बड़ा कांड। 3-4 रातें चिल्लाना हुआ, उसके बाद इतना बड़ा कांड। जया जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीखे आपने सुनी ना।
सुनी थी ना आपने? हमें और कुछ नहीं कहना है। आप इस बारे में या तो हमारे पति या फिर मुकेश भैया से बात कीजिए। तीन संभावनाएं हैं। पहली, बाबा कलीम, संदीप वर्मा और जानवी तनवर की लाशों को मगरमच्छ खा गए। दूसरी संभावना यह है सर कि उनकी लाश बहकर काफी दूर चली गई होंगी और आने वाले कुछ दिनों में अलग अलग जगह पे मिलेंगी। तीसरी संभावना ये है जो आप भी कह रहे हैं और मुझे भी सही लग रहा है कि वो तीनों पानी में गए ही नहीं, तीनों जिंदा हैं। सर सही जो नंबर है 4445678789 सर, जिससे उमेश तंवर को मैसेज आया था सर, ये फर्जी नंबर है। सर से बैठ तक पूरा फर्जी। CDR में सिर्फ एक ही नंबर है उमेश का, उसके अलावा कोई और कॉल या मैसेज नहीं किया गया इस नंबर से। नहीं सर, प्रीपेड नंबर है मुजफ्फरपुर का, इसी साजिश के लिए लिया गया होगा। सर ये भी तो हो सकता है कि गलती से उमेश तनवर को ब्लैंक मैसेज चला गया, जैसे कि कभी कभी हमसे भी हो जाता है, किसी गांव के अनाड़ी आदमी औरत ने गलती से कोई मैसेज भेज दिया हो और कोइंसिडेंटली वो नंबर उमेश तनवर का हो। एक तो ये नंबर फर्जी है, दूसरी बात इससे सिर्फ एक ही मैसेज किया गया और तब से ये नंबर बंद है, पक्का गड़बड़ नंबर है, लग जाओ इसके पीछे। बाबा कलीम कुरैशी अभी तक मिला नहीं है और शायद इतनी जल्दी मिलेगा भी। सर ड्राइवर संदीप वर्मा और जानवी की लाशें भी अभी तक नहीं मिली। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये साजिश बीमार उमेश और उसकी पत्नी माधुरी को मारने के लिए बनाई गई है, और ये रघु की पत्नी मालती इत्तेफाकन मारी गई है क्योंकि वो लोग अचानक घर पे पहुंच गए थे और साथ में चल दिए थे। अगर बाबा कलीम, ड्राइवर संदीप और जानवी मिले हुए थे इस साजिश में, तो ये साजिश दोनों भाइयों और जानवी के बीच रची गई हो, या फिर एक भाई और जानवी के बीच। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा कलीम, ड्राइवर संदीप और जानवी गाड़ी झील में गिरने से पहले उतर गए हो? मैं कहता हूं मुकेश और किशन से सख्ती से पूछताछ करते हैं। और वो आवाजें जो रात को तनवर फैमिली के घर से आया करती थी सर, उन्हें भी आइडेंटिफाई करते हैं। उन चीखों का इस फकीर दौला के दरगाह पे जाने के प्लान से डायरेक्ट कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मकसद कहीं प्रॉपर्टी तो नहीं था? जीवन का एक्सीडेंट, क्या वो भी मर्डर था? तो फिर तो आरती के ढाबे पे खाना ना खाने का भी कोई कनेक्शन हुआ होगा। प्लानिंग, मोटिव, हर चीज शॉकिंग, हर एक पर शक था, लेकिन ये केस अभी भी हमारी पकड़ के बाहर। बाबा कलीम कुरैशी मास्टरमाइंड था या मोहरा, ये अभी तक क्लियर नहीं था। सर हम उस घर में रहते ही नहीं हैं, तो आप हमसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं? हमको तो मुकेश ने ही बताया था कि बाबा कलीम अब उन्हें फकीर दौला के दरगाह ले जा रहे हैं। पर मेरे सवाल अलग है किशन। पहला, क्या बाबा कलीम तुम्हारे पिताजी के घर में रातों को रुका करता था? दूसरा, तनवर कोठी से रातों को आवाजें क्यों आती थी? आपके दोनों सवालों का जवाब है हमको नहीं मालूम, क्योंकि पहला हम उस घर में नहीं रहते थे सर, और दूसरा ये बाबागिरी में हमको रत्ती भर का विश्वास नहीं था। हाँ सर, बाबा कलीम आए दिन हमारे घर आते थे। क्या वो रात को भी रुकते थे? और वो आवाजें, क्या वो बाबा कलीम की ही आवाजें थी जो वो इसलिए निकालता था ताकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी छोटी बहन जानवी को कन्विंस कर सके? क्या ये सब एक ड्रामा था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो रात को आते जरूर थे, लेकिन रुकने के इरादे से नहीं। तो फिर रुकते क्यों थे? और वो आवाजें फकीर दौला के बारे में सबको बताने के लिए कोई चाल थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर कैसा था वो चिल्लाना? वो चिल्लाना क्या था मुकेश? फकीर दौला, मैंने बोला फकीर दौला। हमने आपको पहले ही कहा है साहब, जो मुकेश ने हमको बोला हमने उसकी बात मान ली। अब आप जाने और मुकेश जाने। जाहिर सी बात है तुम हमसे सच छुपा रहे हो। देखो अभी भी वक्त है, जो भी सच है बता दो। बहुत हुआ है टेबल टेनिस। मुकेश किशन, मुकेश किशन। बेटा इतना याद रखना, अगर हम खेलने पर आ गए ना तो जिंदगी भर नहीं खेल पाओगे। देखिए ऐसा है, इस बात को लेकर हम दोनों के बीच में काफी बहस हो चुकी थी। किस बात को लेकर? अरे बाबा ओबा, यंत्र मंत्र तंत्र वगैरह वगैरह।
अरे इतना बोलने के बावजूद भी है हमने एक भी बात नहीं सुनी साहब। मुकेश देखो बहुत हो गया, अब बाबूजी को इस हालत में 10-10 बार सिकंजगढ़ ले गए तुम और अब उस तांत्रिक बाबा को घर में बुलाने लगे हो। देखिए किशन भैया, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं अगर आपको विश्वास नहीं है तो बीच में मत पड़िए, बस दूर रहिए। तुम सभी लोग सटिया गए हो, पागलों वाली हरकत कर रहे हो और अब तुम लोग किसी और दरगाह में जाने की बात कर रहे हो, कोई फकीर दौला समूह में। हाँ किशन भैया, और हम तो चाहते हैं कि आप भी चलिए हमारे साथ, एक बार जाएंगे तो भरोसा हो जाएगा आपको। चुप रहो, अरे कहाँ चले, साफ साफ कोई चाल चल रहा है ढोंगी बाबा, कोई बड़ा गेम खेलने का सोच रहा है और तुम आँख कान मुंह नाक सब बंद करके उसकी बातों में आ रहे हो यार। पहली बार जब मुकेश ने बाबा को घर लेकर आया था ना, तो हमने उसे साफ साफ कह दिया था मत पड़ो इस अंधश्रद्धा में, कुछ नहीं रखा है, बाबूजी का इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। पर नहीं, किसी को हम पर विश्वास ही नहीं था, कोई हमने बात सुना ही नहीं, पकड़ के ले आए कहीं से वो बाबा कलीम कुरैशी को। दीवनपुर की होलसेल मार्केट में हमें काम था, हम वहां से लौट रहे थे कि तभी हमें पहली बार बाबा दिखे। हाँ आरती बोलो। हो गया काम? हाँ हाँ, बस एक छोटा सा काम और बचा है, वो पूरा करते ही घर के लिए निकलता हूँ। ज्यादा देर मत कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। तुम्हारी मनोहर कहानियों की कब्र तो मैं बाद में खोदूंगा, पहले ये बताओ तुम्हारे घर रात को चिल्लाता कौन था, प्लान क्या था? कोई प्लान में नहीं था सर। फिर क्या था? घर की इज्जत की बात थी बस। मेरे पेशेंस को मत आजमाओ, ये एक के बाद एक कहानी करना बंद करो। पहले माजरा था तुम्हारे पिताजी की तबीयत का, अब ये घर की इज्जत बीच में कहां से अटक गई? सर हम अपने बाबूजी के लिए सब कुछ कर रहे थे और जो कुछ भी हो रहा था सिर्फ उन्हीं के लिए हो रहा था, सबका असर हमारी छोटी बहन जानवी पर होने लगा था। जानवी पर? जानवी के बारे में भी हमको मुकेश ने बताया था, वरना हमको कैसे पता चलता, हम तो उस घर में रहते नहीं थे। जब वो बात हमको बताई तो हम सीधे मुकेश से कहा और घर में सबको कहा कि हर चीज के लिए वो बाबा को शामिल मत करो, सीधे लेके जाओ डॉक्टर के पास जानवी को। क्यों, क्या हुआ था जानवी को? मुकेश क्या हुआ था जानवी को? वाजिद की दरगाह पर जब भी जाते तो वहां पर एक गेस्ट हाउस में हमारे रहने का इंतजाम होता था, पर जब भी हम मत्था टेक कर वापस गेस्ट हाउस में आते जानवी बेचैन हो जाती थी। अम्मा भैया हम अभी दरगाह जाके आते हैं। अरे बेटा अभी तो गए थे हम और खाने का टाइम हो रहा है। हाँ जानवी, और हमें कल फिर से जाना है, पर हमारा मन कर रहा है और हम जल्दी आ जाएंगे, क्या बैठे बैठे जी नहीं लगता ना, आते हैं। हाँ जानवी, गेस्ट हाउस में भी जानवी बीच रात को अचानक से उठकर बाहर के कमरे में प्रार्थना करने बैठ जाती थी। जानवी पर कुछ तो असर हो रहा है। ये क्या जानवी, तुम बिना बताए यहाँ पर चली गई? हमने पूरा गेस्ट हाउस मारा, पता है तुम्हें? मुकेश भैया हम सिर्फ एक ही बात जानते, बाबूजी को जल्दी ठीक होना, उन्हें जल्द से जल्द ठीक करना है। बाबूजी की लाडली थी जानवी, पर हम में से किसी को पता ही नहीं चला कि सबका असर जानवी पर किस हद तक चढ़ गया था। कैसा सर? बाबा कलीम ने कहा कि
10 बार सिकंजगढ़ जाके माथा टेकना है, तो हम गए 10 बार, लेकिन फिर 2 हफ्ते बाद अचानक से रात को जानवी आवाजें किचन में से आ रही हैं। अम्मा आती अभी, यहीं रुकी हम देखते हैं। जानी चल, जानवी कहाँ है वो नौबा कमीना? कहा है वो नौबत कमीनो? किसने कैद कर रखा है मुझे? जानवी उसे, अरे जानवी कैद कर रखा है मुझे यहाँ पे। बेटा नहीं, ए बुढ़िया मैं किसी का बेटा बेटा नहीं हूँ। जानवी फेंक दो ये छुरा, क्या तमाशा बना रखा है? तमाशा तमाशा खोल इसे, खोल। तमाशा तब होगा जब खून की नदियाँ बहेंगी। जानवी बात सुन, जानवी मोटी मोटी कर दूंगा सबकी। जब वो सुबह उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि पिछली रात को हुआ क्या था। अम्मा, अम्मा ये सब कैसे हुआ? जानवी को संभालना नामुमकिन सा हो गया था और फिर बाबा कलीम को बुलाना ही पड़ा, रात में बुलाना पड़ा। जब जानवी नहीं होती थी। बाबा, हमने सब सुन लिया, बात करते हैं। लेके आया मुझे, हाजिर करो। क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? क्यों बुलाया? देख बच्चा बात सुन। चुप कर। बच्चा बोला तो कच्चा खा जाऊंगा तुझे। साले नापाक ढोंगी, लोगों को ठगता है ना तू, लूटता है उन्हें। आप जो कहें सब सही है। हम नापाक हैं और आप पाक हैं। हम बस आपको रिहा कराने के लिए आए। पहले बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको बुला के। उसके लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं, रूह से माफी मांगते हैं आपसे। आप खुद बता दें कि हम आपकी रिहाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी जाहिर करें। मुझे यहाँ बुलाने से पहले मर्जी पूछी थी मेरी। हमने आपको बताया ना, वो यहाँ पे एक बुजुर्ग है जिन्हें लकवा मार गया है, उन्हें शिफा की बहुत ज़रूरत है। बस इसी ने एक काम के लिए हमने आपको हाजिर किया है, पर अब हम माफ़ी मांगते हैं उसके लिए। आप खुद ही कोई तरकीब बता दें। क्या हुआ जानवी को? वो आवाज किसकी थी? ये कौन सा तारा है इसे बाबा? ये किस रिहाई की बात कर रही है? कुछ नहीं हुआ जानवी को, हमने कुछ रूहानी ताकतों को आवाज लगाई थी उमेश जी को ठीक करने के लिए।
पर लगता है किसी अनजान रूह ने कब्जा कर लिया है जानवी पे। बाबा कुछ भी कीजिए, बस बचा लीजिए जानवी को इस सबसे। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमको इस अनजान रूह से अकेले में बात करनी होगी जिसने बच्चे पे कब्जा कर लिया है। जानवी के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब मुकेश ने हमको बताया था। अम्मा बाबूजी ने तो कभी मुंह ही नहीं खोला हमारे सामने, और जानवी वो बेचारी तो कभी जानती नहीं थी उसके साथ क्या हो रहा है। हमारा मुकेश के साथ लड़ाई भी हुआ। देखिए किशन भैया, आप अकेले रहते हैं जया भाभी के साथ, आपकी लाइफ सेट है, हम दखल देते हैं। वाह, अकेले रहते इसका मतलब अपनी बहन की परवाह ना करें? अरे मुकेश मूर्ख, तू काहे नहीं समझता है, वो बाबा एक नंबर का फ्रॉड है, कुछ खिला पिला दिया होगा जानवी को। अरे तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, जाओ। देखिए किशन भैया, अब कुछ नहीं हो सकता, आप रहने दीजिए, हम देख लेंगे। जो अंधा है अंधश्रद्धा में वो कहाँ देखेगा रे? किशन भैया, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, लेकिन हमको करनी है। देखा, हम कह रहे थे ना इनके घर में पक्का कुछ पकड़ा। उस बाबा कलीम कुरैशी का बड़ा आना जाना हो रहा है घर में, लगता है कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अरे कुछ नहीं होता है रूबू, सब बकवास है ये। जानवी दिमागी तौर पर बीमार है, पहले जीवन भाई गए, फिर बाबूजी की बीमारी, बेचारे बच्चे पर असर हो गया यार। उसके ऊपर बाबा के कहने पर तुम लोग 10-10 बार दरगाह के चक्कर काट के आए हो, तो स्ट्रेस हो ही जाता है। अक्सर लोग जिन चीज़ों में घिरे रहते हैं ना, वो चीज़ उन पर हावी हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर उसका इलाज करता है, दिमाग का डॉक्टर, साइकाट्रिस्ट बोलते हैं उनको। देखो हम लोग शहर जाएंगे जानवी को लेकर, ठीक है? किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं जाएगी जानवी, सब जगह बदनामी होगी, वो अलग, दूर दूर तक बयान नहीं कर पाएंगे उसका। पूछे उस मुकेश से कि उसे साइकाट्रिस्ट के पास जाने में इतनी आपत्ति काहे थी। ये फकीर दौला की दरगाह पर जाने वाली बात कब्र कैसे उठी? ये बात भी आप मुकेश से ही पूछिए, क्योंकि उसने हमको कहा था कि बाबा ने निजात दी। वैसे पूरे मोहल्ले में बात फैली थी तलवर कोठी में कुछ हो रहा है, अफवाह थी कि अम्मा चिल्ला रही है, कभी अफवाह ये थी कि आरती को कुछ हुआ है। लेकिन साहब हम कह रहे हैं किसी को कुछ नहीं हुआ था, ये सारा खेल वो ढोंगी बाबा का था। तो ये सारा खेल बाबा कलीम कुरैशी का था, फकीर दौला दरगाह पर जाने की सलाह कलीम ने दी थी। नहीं सर, आप यकीन करें या ना करें, हमने अपनी आंखों से देखा था, कानों से सुना था, ये आवाज उस रूह की थी, वो एक मर्द की आवाज थी जो जानवी के अंदर से आ रही थी, जिसने उसके अंदर डेरा डाल रखा था, एक भयानक सी आवाज। साले कमीने, पहले घाव देता है फिर मरहम भी तू ही लगाएगा, हाँ नमक रगड़ेगा मेरे घाव पे तू? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहेंगे हम आपसे, जो हमने आपको इस दुनिया में बुलाया है। अब आप ही बताएं हम क्या करें आपकी रिहाई के लिए। गलती नहीं, गुनाह किया तूने, गुनाह। मैं जहां था मैं बहुत खुश था, मुझे यहां बुलाया, फंसा दिया मुझे यहां पे। आप हाँ बस हुकुम कीजिए, बिना किसी सवाल के हम करेंगे। फकीर दौला ले चलो, मैं फकीर दौला का मुरीद हूं, फकीर दौला ले चलो मुझे, फकीर दौला ले चलो। मैंने बोला फकीर दौला, सुनाई नहीं दिया? फकीर दौला, फकीर दौला, फकीर दौला, फकीर दौला, सुनाई दिया ना? फकीर दौला। इतने बड़े बुजुर्गान दीन बाबा फकीर दौला का नाम सामने आया है, अब नाम आया है तो हो आते, अब हम भी आप लोगों के साथ आएंगे। बाबा कलीम और जानवी के बीच की हुई बात सिर्फ उन दोनों के बीच ही हुई थी, राइट? उस वक्त तुम लोगों में से किचन में कोई मौजूद नहीं था? नहीं सर, लेकिन सर हमने आवाजें सुनी थी, वो आवाजें जो जानवी के अंदर से आ रही थी। जब तुम्हें पता था ये बाबा कलीम ढोंगी है, पाखंडी है, तो हाथ पैर धरे बैठे क्यों रहे? रोका क्यों नहीं उसे? कैसे रोकते हैं, हम तो घर में रहते नहीं थे, और वो बाबा कलीम कुंडली मारकर घर के अंदर बैठा हुआ था, पूरी फैमिली उस बाबा के गिरफ्त में थी साहब, हमारा कोई सुनता ही नहीं था साहब। किशन भैया को शक था कि हमारे और बाबा के बीच कोई मिली भगत है। क्या किशन का शक सही था? देखिए सर, हम जानते हैं कि आप हमारे ऊपर शक कर रहे हैं, और आप किशन भैया के ऊपर भी शक कर रहे हैं, और आपके खबरें घूम रहे हैं चारों ओर,
ये जानने के लिए कि हमारे बीच में कोई अनबन हो या कोई जमीन जायदाद का मामला। सर हम आपको साफ साफ बता देते, हमारे बाबूजी, हमारी अम्मा, हमारी जानवी हमारे लिए सब कुछ थी, जैसे कि किशन भैया के लिए थी। हमें तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि सब कैसे हुआ और ये सब किसने किया। ये केस अब और पेचीदा होता जा रहा है, अब तो साजिश में एक रूह भी आ गई। सर जैसे तनवर फैमिली को नींद की गोलियां खिलाई गई थी, कहीं ये दोनों भाइयों में से एक भाई हमें भी तो गोली नहीं दे रहा। पर नींद की गोली तो मुकेश को भी खिलाई गई थी। हाँ, मुकेश के ब्लड स्ट्रीम में भी आक्रमण के डोजेस हैं। दूसरों के डोजेस से कम थे? नो, सेम। एक बात तो साफ हो गई है, ये जो बाबा कलीम है बड़ा चालाक। पर सर लाने वाला तो मुकेश ही था फादर के इलाज के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि फादर के इलाज को लेकर जितने भी चक्कर काटे जा रहे थे पीर वाजिद की दरगाह पे, जहाँ पे मुकेश के मुताबिक जानवी पर असर हुआ, ये सारा नाटक वहीं से शुरू हुआ हो? मतलब जानवी और बाबा कलीम के बीच में कोई नाटक प्लान किया गया हो। क्या एक 18 साल की बच्ची एक पाखंडी बाबा के साथ मिलकर अपनी पूरी फैमिली का सफाया करने का प्लान बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। और सर एक मनगढ़ंत रूह ने भी इन लोगों का साथ दिया, पूरी फैमिली को डराकर उन्हें फकीर दौला के दरगाह पे ले जाने का और रास्ते में उनका सफाया कर देने का। संदीप, संदीप चला लोगे ना? चलाना बहुत मुश्किल लग रहा है, आंखें एकदम बंद हुई जा रही हैं और सिर बहुत जोर से घूम रहा है। काम करो, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, रोको। सर अगर ऐसा हुआ होगा तो अब हमें एक और लाश मिलनी बाकी है, ड्राइवर संदीप वर्मा की, और फिर किसी ना किसी बिल से इस बाबा और जानवी को ढूंढ निकालना होगा। यहाँ साजिश किसने रची, कैसे रची, कौन बच निकला, कुछ पता नहीं चल रहा है। इन तीनों के फोटोज जितनी दूर तक हो सके सर्कुलेट करो, बाबा कलीम, ड्राइवर संदीप, जानवी, इन तीनों में से कोई ना कोई जिंदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये उम्मीद नहीं थी किशन भैया कि पुलिस को ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे जैसा कि बाबा कलीम के साथ मिलकर हमने कुछ किया हो। हमने झूठ नहीं बोला, पट्टी नहीं पढ़ाई है, जो सच है वो बोल दिया। किशन भैया सच तो ये कि जानवी को सच में दौरे पड़ते थे, और सच तो ये कि हम सभी बाबूजी को ठीक देखना चाहते थे, और सच ये भी है कि दरगाह अस्पताल नहीं, दुआ दवा नहीं, और बाबूजी को सिर्फ दवा ठीक कर सकती थी, एक ढंग के डॉक्टर की दवा, समझे तुम? दरगाह के दर्शन बाबूजी की मर्जी से हुए थे, वो खुद चाहते थे वहां पर जाना। वो बीमार थे, खुद का सही सोच नहीं पाते थे, मर्जी तो यहां सिर्फ तुम्हारी चलती थी। वाह किशन भैया, ये कह के सारा शक हम पे डाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप हमारे साथ कभी गए नहीं, किसी दरगाह पर नहीं गए, और यहां घर में रह के सारा ड्रामा रच रहे हैं? वाह भाई वाह, सब कुछ तुम्हारे होते हुए हुआ, हमारी गैर मौजूदगी में हुआ। आपकी गैर मौजूदगी आपकी साजिश का हुक्म का इकत ही किशन भैया, ताकि आपका नाम सामने ना आए और पूरी दुनिया के सामने आप साफ सुथरे रहे, पर यहां घर में रह के रिमोट कंट्रोल से सारी कहानी खत्म कर दी आपने। ठीक है, जो समझना समझ लो, ठीक है, जाओ पुलिस के पास जाओ और बोलो, देखो हमारे खिलाफ क्या निकलता है, जाओ 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 पुलिस के पास जाओ, बोलो। सर जी रीटापुर गांव से एक फोन है, एक लाश मिली उन्हें। रीटापुर? इस पुरनिया झील का एक छोर रीटापुर से भी लगकर है। जी सर, आज सुबह सुबह लाश पानी से बाहर आई है। किसकी लाश है? सर लाश को गांव और किनारे पर रखा हुआ है। सर हो सकता है लाश नियालपुर की तरफ से बहती हुई आई है। किसकी लाश है जी? भूल गई है लाश, गाड़ी से बाहर निकल गई होगी और बह गई होगी। बाबा कलीम कुरैशी भी मारा गया, अब बाबा और जानवी की अफेयर वाली स्टोरी होल्ड नहीं करती।
ट्रांसफर हो सकता है ड्राइवर संदीप वर्मा और जानवी के बीच में गुजरा हो। हो सकता है नियालपुर वाला आई विटनेस भैरव सिंह हमें गुमराह कर रहा हो। हम चेहरा तो नहीं देख पाए थे पर कपड़े कुछ कुछ इस तरह के पहने थे सर। भैरव सिंह ने उसे पीछे से देखा था। ये भी तो हो सकता है वो कोई और हो जिसे वो बाबा कलीम कुरैशी समझ बैठा हो, या फिर ये कि वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, कसम से साहब, सब हमने वहां पे एक आदमी को पीछे से भागते हुए देखा था साहब, पठानी पहन रखा था साहब उसने। इतना बड़ा हादसा हो गया, ना तो तू हमारे पास है और ना ही नियालपुर के मुखिया। साहब हम जाते तो हमारी जान चली जाती थी साहब, और पूजा की। कौन पूजा? साहब वो बड़ी जात की है साहब, और हम छोटी जात की। साहब हम इसलिए सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि जब वो गाड़ी झील में गई तब हम वहाँ पूजा के साथ बैठे थे। सवेरे जब घर में सब सो रहे थे तब हमसे मिलने आई थी साहब, और हम इसलिए बात छुपा रहे थे कि अगर गांव वालों को पता चल जाएगा तो वो हमारी जान ले लेंगे। सब हम सच कह रहे हैं, कसम से साहब, हमने वहां पे एक आदमी को देखा था पीछे से भाग रहा था साहब, वो पठानी पहना था साहब। कलीम जो पहनता था हो सकता है वो किसी और ने पहना, उसने चांस लिया कि अगर उसे किसने देख लिया तो सारा का सारा इल्जाम बाबा कलीम पर लगेगा। सर फिर तो ये मुकेश ही हो सकता है, ड्राइवर संदीप ही कहीं इसकी कड़ी ना हो इन सबको मारने के लिए। पर कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा, जायदाद भी अगर होता तो उसका बैर किशन से होता। चलो मान लेते हैं माँ बाप आड़े आ जाते और जानवी भी ये समझे कि उसका भी हिस्सा होता, पर वही क्यों, किशन क्यों नहीं? हो सकता है किशन और मुकेश के बीच कोई बैर ना हो बल्कि साजिश वाली दोस्ती है। मुकेश का बाबा कलीम को इस तरह से अपने घर ले आना, किशन का उसका विरोध करना, हो सकता है ये सबका सब ड्रामा हो। पर सर बाबा कलीम भी तो मारा गया। आपसी रंजिश का नाटक हो और अंदर ही अंदर दोनों भाइयों के बीच में गठबंधन, और इसी गठबंधन की वजह से ये बाबा कलीम कुरैशी की भी बलि चढ़ गई। अब सवाल ये है कि किस लिए? ये आपकी और किशन भैया की लड़ाई अच्छी नहीं है। हमें कौन सा अच्छा लगता है आरती, करें भी तो क्या करें। देखो हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं पर सवाल कर रहे हैं जय, क्योंकि जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ और इसमें किसी ना किसी की बहुत बड़ी साजिश है। जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है जो हम कर रहे हैं। दोनों भाइयों के खिलाफ कोई सीधा एविडेंस हाथ नहीं लग रहा था आपके। उमेश तनवर के फोन पर ढाबा पहुंचने से पहले जो मैसेज आया था उससे कुछ नहीं मिला। ये मैसेज अभी तक क्लियर नहीं था, लेकिन सुई बार बार दोनों भाइयों के ऊपर आकर अटक रही थी। मुकेश का मंदिर में पीछे रह जाना, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का बहाना लेकर और किशन का फोटो लेकर डायरेक्ट क्राइम सीन पर पहुंचा। इस केस में अभी तक हमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, पर जब मिला तो वो किसी झटके से कम नहीं था, और ये झटका हम तक पहुंचा लखनऊ से। यादव साहब, साहब एक सेकंड सुनेंगे। क्या बात है अली? साहब आपके हाथ में जो फोल्डर है उसमें एक तो फोटो दिख रहा है, क्या देख सकते हैं हम? काजल है कोई? काजल? लेकिन इसका नाम तो जानवी है, जानवी तनवर साहब। ये तो सेम है साहब, नियालपुर के पुरनिया झील में एक तो एक्सीडेंट हुआ था, उसी दौरान ये लड़की मिसिंग थी, वहीं के थाने से तो ये फोटो आया है। लेकिन आपको ये जानवी तनवर काजल के रूप में कैसे मिली? ये एक सिविल मैटर है, डिटेल अभी मालूम नहीं, लखनऊ सिविल कोर्ट के किसी वकील ने इसे अभी भेजा है। सर ये तो सेम है, हमारे केस की जानवी और लखनऊ की काजल, तीनों में से किसी एक को तो जिंदा रहना ही था। देखिए
कंफर्म, जानवी ही काजल। अब देखना यह है कि चाल जानवी उर्फ काजल और संदीप की थी या फिर ये मोहरे थे, और चाल दोनों भाइयों किशन और मुकेश ने चली। जानवी काजल, जानवी ने अपना नाम काजल क्यों रख लिया? अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन पता चलेगा ये पक्का है। हमारी छोटी बहन बच कैसे गई? क्यों, मरना था इसे भी? तय था पहले से, पानी में डूबा कर मरना चाहते थे या कोई और तरीका था? क्या तुम लोगों का प्लान इसलिए चौपट हो गया क्योंकि तुम्हारी पीठ के पीछे कोई दूसरा प्लान बन गया? सर किस प्लान की बात कर रहे हैं आप? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोगों में कोई भी टकराव नहीं थी कि ऐसा कोई बंधा सा प्लान करेंगे। हम लोग अपने बूढ़े माँ बाप और चाची की जान लेंगे, अपनी छोटी बहन को गायब करवाएंगे। सर समझ के क्या रखा है आपने हम लोगों को? ड्राइवर संदीप वर्मा जिसकी गाड़ी थी उसे तुमने बुलाया था? हम नहीं बुलाते तो कौन बुलाता? हमारे बीमार बाबूजी, अम्मा, जानवी। हमारा पहचान वाला ड्राइवर वाला है, पहले भी कई बार हमने उसको बुलाया है, और सिकंजगढ़ भी 10 बार वही लेके गया था, तो हमने सोचा फकीर दौला भी वही ले जाएगा। अब इसके भी बाल की खाल निकालेंगे आप? मुकेश जी, बाल की खाल हम यहाँ नहीं निकालते, लॉकअप में निकालते। संदीप वर्मा और जानवी का कोई अफेयर वफेयर था क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों भाई मिलकर अपने पूरे परिवार का सफाया करना चाहते थे और ये काम तुमने संदीप वर्मा को सौंपा? उसका जानवी के साथ पहले से रिश्ता था या फिर रिश्ता बन गया इसलिए उसने जानवी को नहीं मारा? आप वर्दी में, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और हम सुनते रहेंगे। हम लोग ऐवे लोग नहीं है, जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये बढ़ते आरोप कतई सहन नहीं करेंगे सर। तीन बुजुर्ग, एक बहुत ही बीमार, पानी में डुबोकर कत्ल कर दिया गया उनका। माना वो बेहोश थे लेकिन आखिरी घड़ियों में उन्होंने बहुत तकलीफ सहन की होगी, इसलिए ये सहन वहन की बातें मेरे सामने ना ही करो तो अच्छा है, वरना यहाँ जो ये बातचीत हो रही है ना, इसे लॉकअप में लेकर जाएंगे और सहन करना क्या होता है वह अच्छी तरह से समझाएंगे। हमने अपनी तरफ से आपको सब कुछ सच सच बता दिया, बाबूजी की बीमारी, बाबा की मदद, जानवी के दौरे, फकीर दौला के दर्शन, सब कुछ। तुमने जो हमें बताया है वो सब कुछ नहीं है मुकेश, बहुत कुछ है जो सामने आने से रह गया है, और जो रह गया है वो हमें बताएगा कि प्लान क्या था, प्लान कहां से शुरू हुआ, मोड़ कहां लिया गया और कौन सा मोड़ था जो छूट गया। मैडम जी, हमारे पति मिले क्या? देखो फिलहाल तो नहीं पता, पर क्या संदीप ने तुम्हें कांटेक्ट किया? किया होता तो हम आपसे थोड़ी ना पूछते। आप लोगों को बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है संदीप जी को लेकर, वो कभी किसी को सपने में भी मारने का नहीं सोच सकते, बहुत ही सीधे इंसान है। इतने सालों बाद मेहनत करके खुद की गाड़ी खरीदी, वो भी लोन पर। दो लोगों को मुफ्ती में यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी पे लगा के रखो। संदीप वर्मा आएगा जरूर, बीवी सना सही, बच्चों से मिलने तो जरूर आएगा। जी मैडम। हाँ हेलो मैडम जी, कुछ नया पता चला वो पुरानिया झील वाले केस में? जो सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए तू मुझसे पूछ रहा है, खबरों के नाम पे धब्बा बनता जा रहा है। अरे मैडम कुछ काम हो हमारे लिए, हम तो उसी के लिए फोन किए थे आपको। हाँ है, पता कर ये ड्राइवर संदीप वर्मा और जानवी तनवर के बीच में क्या रिश्ता था, कोई अफेयर वगैरह है? ये तो वाकई कहानी में ट्विस्ट आ गया मैडम जी। देख अभी कुछ क्लियर नहीं है, फिलहाल लखनऊ में तफ्तीश जारी है, ये जानवी अभी कहीं काजल बन के रह रही है, तू पता कर कि संदीप का इसमें क्या हाथ था। मुश्किल लग रहा है ये अफेयर मैडम जी, क्योंकि अगर कुछ होता ना तो इतने टाइम में कुछ न कुछ हवा तो लग ही जाता। कुछ चिंगारियां ऐसी होती हैं जो राख के अंदर दबी रहती हैं, हवा देने पर दुनिया के सामने आती हैं। फिलहाल तू काम पे लग जा। पुलिस वाले सटिया आ गए समझ में आता है किशन भैया, मगर आप भी, जानवी और उस ड्राइवर संदीप को मिलाने के लिए हम पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, ये कहना चाहते हैं आप? अरे तुम लोगों के बीच में क्या था हमें नहीं पता, पर इन सब चक्कर में हमारी मालती की जान बिना वजह चली गई, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा जी, हम लोगों को भी उतना ही पता था जितना आपको पता था, वो तो हमें अभी पता चला कि जानवी जिंदा है, पुलिस को शक है कि संदीप के साथ उसका चक्कर चल रहा है और शायद उन दोनों ने मिलकर ये सब कुछ किया। उस ढाबे पर रुकने की बात संदीप ने कही थी, याद है हमको? अरे वो दाल मखनी सबसे ज्यादा फेमस है संतराम ढाबे की, और बाकी खाने बहुत बढ़िया मुकेश भैया। हाँ ठीक कह रहे हैं चाचा जी, हमें भी याद है संदीप ने ही कहा था कि हमें इसी ढाबे पर रुकना चाहिए। मुकेश, तुम सब और जानवी
एक ही छत के नीचे रहते थे, क्योंकि हम तो इस घर में रहते नहीं थे। तुम लोगों को कैसे पता नहीं चला कि जानवी का कोई चक्कर चल रहा है इस संदीप के साथ? घर में किसी न किसी को तो पक्का पता चला होगा, और इस वक्त भी कोई ना कोई जानबूझकर चुप है। जानवी और संदीप वर्मा का अफेयर होना नामुमकिन नहीं था। होते हैं कुछ ऐसे अफेयर जिनकी भनक तक नहीं लगती, घर वालों को भी नहीं। पर अगर घर में इस बात की किसी को भनक नहीं थी तो क्या जानवी और संदीप वर्मा सिर्फ जानवी के घर वालों के डर की वजह से ऐसे भयानक कांड पे उतर आए? शायद इनका इस्तेमाल किया गया हो, कोई जानता हो इस अफेयर के बारे में, और इनको मोहरा बनाया गया हो बाकी घर वालों को मारने के। तनवर फैमिली में कोई ऐसा था जिसे पता था कि जानवी की लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन उसने बाकी के घर वालों को कुछ नहीं बताया। क्या सच था क्या झूठ था यह हमें तब पता चलता जब हम ड्राइवर संदीप वर्मा तक पहुंचते, या फिर लखनऊ में जानवी उर्फ काजल तक। ये काजल का फोटो कल हमारे थाने में है। ये कौन? सुरेश अवस्थी नाम लिखा हुआ। ये काजल के फोटो के साथ इस सुरेश अवस्थी का फोटो भी है। केस क्या? सिविल कोर्ट में एक एडवोकेट है चंद्रेश उपाध्याय, उन्होंने इन दोनों फोटोज को भेजा और इनकी डिटेल्स पता करने को बोला। ये दोनों उनके पास क्या कर रहे थे? अवधेश जी, हमें इस कपल का कुछ ठीक नहीं लग रहा है। किस बात का शक हो रहा है आपको एडवोकेट साहब? कल ये कपल आया था हमारे पास। लड़की ने अपना नाम काजल शर्मा और लड़के ने सुरेश अवस्थी बताया। बोले कि कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। हमने उनसे डॉक्यूमेंट मांगा, फोटो पकड़ा दिए। मैं अभी भेज रहा हूँ आपके पास। फिर मैंने इनसे कल यानी कि आज आने के लिए कहा पहचान पत्र के साथ, दोनों आए ही नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, घर भर से भागे हुए लगते हैं। लड़की काफी यंग है, नाबालिग हो सकती है, जरा देखिए ना। और उपाध्याय जी ने इन दोनों फोटोज को भेज दिया। ये दोनों काजल और सुरेश एडवोकेट के पास शादी करने गए थे? हाँ ऐसे ही कुछ है, हमने अभी तक इस पे कोई कार्रवाई शुरू की नहीं है। वो कांस्टेबल उनकी फाइल लेकर आ रहा था तो हमारे खबरी अली उसे देख लिया और एकदम दूर दो मिला दे। उसके पास आपके जानवी तनवर की केस डिटेल भी थी और फोटो भी। सुरेश अवस्थी, अब ये केस में लेट एंट्री करेक्टर कौन है? ये काजल जो 100% जानवी है, इस लड़के के साथ शादी करने गई थी, लेकिन वकील को कुछ गड़बड़ लगा और ये लड़की नाबालिग भी लगी, तो उसने फटाफट इनकी तस्वीरें पुलिस स्टेशन भिजवा दी। अब इस केस की कड़ियां मिलने लगी हैं। तुम काजल उर्फ जानवी और सुरेश अवस्थी के पीछे लग जाओ। सुरेश अवस्थी? नहीं सर, ये नाम तो हमने पहली बार सुना है। और सर, हमारी जानवी सुरेश अवस्थी के साथ लखनऊ में क्या कर रही है? ठीक है सर। आरती, जानवी किसी सुरेश अवस्थी नाम के लड़के को जानती थी? हमको तो नहीं पता, ना कभी जानवी से इस बारे में कोई बात हुई और ना अम्मा ने कभी कुछ कहा। पुलिस का कहना है कि हमारी जानवी लखनऊ में काजल के नाम से रह रही है और किसी सुरेश अवस्थी नाम के लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती है। इसका मतलब? हम तो इस घर में रहते नहीं थे ना साहब, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? अब ये सुरेश अवस्थी है कौन? इस सुरेश अवस्थी की फोटो 10 मिनट में पहुंच जाएगी हमारे पास लखनऊ से। तुम और मुकेश तुरंत यहां पहुंचो। अगर जानवी तनवर काजल शर्मा बनी है तो फिर हो सकता है सुरेश अवस्थी भी कोई और ही हो। अब देखते हैं तुम लोग उसे पहचान पाते हो या नहीं। ये क्या हो रहा है अपने परिवार के साथ? पहले जीवन भैया गए, फिर पापा जी की तबीयत इतनी खराब हो गई, लकवा मार गया उनको, फिर इतना भयानक कांड, और अब जानवी। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे परिवार को। चुप कर, ये बुरी नजर वजह की बातें न छेड़ना। ये पागलपन साला खा गया हमारे परिवार को। मैडम, सीमापुर में किसी को भी इस संदीप वर्मा और जानवी के बीच कुछ हो ऐसा कुछ पता नहीं चला। इस ड्राइवर संदीप को काफी अच्छा सीधा आदमी बताते हैं लोग। लालू, इस ड्रामे की कास्टिंग चेंज हो गई है। इस लव स्टोरी में संदीप वर्मा का किरदार कोई सुरेश अवस्थी निभा रहा है। ये उसकी तस्वीर। ये सेकंड हीरो कहां से आ टपका मैडम? ये हीरो है या विलन ये तो वक्त ही बताएगा, और इस फैमिली में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है ये भी वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वक्त मुझे सुरेश अवस्थी का पूरा फ्लैशबैक चाहिए। सिविल कोर्ट में छोटा सा केबिन है हमारा, छोटे बड़े लोग आते हैं छोटे बड़े केस लेकर। परसों का दिन था और हम बैठे थे चाय पी रहे थे, जैसे कि अभी नमकीन मंगाए, यहाँ बहुत अच्छी नमकीन मिलती है लक्ष्मी हलवाई के यहाँ। जी नहीं शुक्रिया, दरअसल हमें काजल शर्मा और सुरेश अवस्थी के बारे में पूछना था।
आपने सिटी पुलिस को उनकी फोटो देकर हमारे एक बहुत ही पेचीदा और विचित्र से केस की कड़ियां जोड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है ना जी। प्लीज आगे बताइए। चाय पी रहे थे तभी वो दोनों एंटर किए हमारे केबिन। लड़के की उम्र लगभग 25 साल थी, सुरेश अवस्थी नाम था, और लड़की की उम्र कुछ कच्ची थी। आइए बैठिए, बताइए क्या सेवा करें। वो हमको शादी करनी है, बाहर किसी से पूछा तो कहा कि आपसे मिलने के लिए। देखिए केबिन छोटा है हमारा, लेकिन केस कोई छोटा नहीं होता हमारे लिए, अन्य कोई केस बड़ा होता है। घरेलू झगड़ों से लेके डाइवोर्स तक सब यूं ही हल कर देते हैं हम। बीच बीच में शादी वादी भी आ जाती है। तो कब कर सकते हैं शादी? यहाँ झट मंगनी पट ब्याह नहीं होता कोर्ट में, एक अर्जी देनी पड़ती है, कागजात सबमिट करने पड़ते हैं, तब जाके कोर्ट से डेट मिलती है। थोड़ा बहुत वक्त तो लग ही जाता है, और थोड़े बहुत कागजात। फोटो लाए हैं आप लोग? हाँ फोटो लाए। और कोई पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट? ये फॉर्म भरना होगा दोनों को। सर शादी आज नहीं हो सकती? अर्जी सबमिट होगी, कोर्ट तारीख देगी, कागजात लगेंगे, फिर जाके होगी शादी। वो तारीख आज की नहीं हो सकती? नहीं, शादी का सर्टिफिकेट आज नहीं मिल सकता? मैरिज सर्टिफिकेट कोई सिनेमा का टिकट नहीं है। ये आधे घंटे लाइन में खड़े हो गए और बैठ गए बालकनी में। आप लोग पहचान पत्र ले आइए, कल परसों तक शायद हो सकता है कोर्ट डेट दे दे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब हाँ, वो हम लोग डॉक्यूमेंट और कागजात वगैरह कुछ लेकर आए नहीं अपने साथ। घर से नहीं लाए? जी। तो जहाँ से भाग के आए हो? सर बिना डॉक्यूमेंट्स के शादी करा दीजिए प्लीज। नहीं अगर कुछ एक्स्ट्रा लगे तो दे देंगे। हमारे पूरे लखनऊ में, हम तो कहते हैं हमारी पूरी यूपी में, कोई माई कलाल बिना डॉक्यूमेंट के आज असली मैरिज सर्टिफिकेट दिलवा देगा तो ये दुकान बंद करके लक्ष्मी हलवाई के पास बैठ के जलेबी तलेंगे। ठीक है, हम लोग एक काम करते, हम लोग कल आते सारा कागजात वगैरह लेकर। चलो कासिम। अरे सुनो तो। माना कि हम बहुत बड़े वकील नहीं हैं, पर हैं तो कानून के पक्के हम भी। सुन के हमने पता कर लिया कि भैया कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हम भी ठहरे बाल बच्चे वाले, समझ सकते हैं कि बच्चे भगाए गए हैं या भागे हुए हैं, और तभी हमने सब इंस्पेक्टर अवधेश जी को फोन लगाया। उन्होंने अपना कोई एड्रेस दिया, फोन नंबर? कुछ भी नहीं, कागजात की बात करते ही भाग खड़े हुए दोनों। फोटो वापस लेना भूल गए जल्दबाजी में, वरना वो भी हाथ नहीं लगती। अली खाता तो खुल गया, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। मुझे इस काजल उर्फ जानवी और इस सुरेश अवस्थी उर्फ पता नहीं कौन, इन दोनों तक जल्द से जल्द पहुंचना है। जनाब अगर ये लखनऊ में ही हैं, तो जरूर किसी लॉज पॉज में नकली नाम के सहारे दुबक कर बैठे होंगे। अली सीमापुर से जितनी भी डिटेल्स मिल पाएंगी मैं तुझे भेजता रहूंगा, बारीकी से छानना, मल्टीपल मर्डर केस। सुरेश अवस्थी नाम है इसका? जानते हैं क्या इसको? नहीं नहीं, हम ऐसे किसी अजनबी को नहीं जानते। शायद हम देखे हैं इसको। कहाँ, कब? देखे तो हैं इसको, एक बार मिले भी हैं। हाँ याद आया, एक ही बार तो मिले थे से? मुकेश भैया की दुकान पे ना ये हमसे टकराया था। मुकेश के दुकान पे ही क्या कर रहा था? अब ये बात हम आपको कैसे बता सकते हैं? ये बात या तो आपको मुकेश भैया बताएंगे, और नहीं तो ये लड़का बताएगा। ये बंदा है सुरेश अवस्थी। ये सुरेश अवस्थी? नहीं सर, इसका नाम तो जुनैद है, ये मैकेनिक है। कहाँ काम करता है? सर सीमापुर में हमारी दुकान है, उसके सामने मुर्तजा का गैरेज है, ये वहां पर काम करता है। हाँ हमने भी अपनी बाइक इससे बनवाई है। लेकिन सर ये सुरेश अवस्थी हमारी जानवी के साथ? अरे भैया हम कह रहे हैं ये कोई सुरेश अवस्थी नहीं है। अरे भैया ये है जुनैद सिद्दीकी, हमारा मैकेनिक, ये सायरागंज में रहता है, शादी शुदा एक बच्चे का बाप है। लखनऊ में कोई रिश्तेदार भी है क्या इसका? भैया वो तो हमें नहीं पता,
लेकिन उसकी जो बीवी है ना शबनम, वो सहारागंज में ही रहती है, वो बता सकती है। आपका जुनेद कब से गायब है? अरे नहीं भैया, गायब वायब नहीं है। अभी एक हफ्ता पहले अचानक से आकर बोला कि भैया नौकरी छोड़ रहे हैं, सहारागंज में अपने बीवी बच्चों के पास रहेंगे, तो वहीं पर अपना गैराज खोलने की बात कर रहा। अपना काम शुरू करना चाहिए, बिला शक शुरू करना चाहिए, लेकिन ऐसे अचानक से कैसे? अगर एक दो महीने पहले तुमने बता दिया होता तो हम तुम्हारी जगह किसी और को बुला लेते। सॉरी मुर्तजा भाई, बोलना चाहिए था लेकिन सब कुछ एकदम अचानक से हो गया ना, इसीलिए। अचानक से क्या हो गया भाई? मेरा मतलब सब खैरियत? हाँ हाँ सब खैरियत। वो हमारी बेगम है ना शबनम, वो अचानक से अकेली पड़ गई है। उसकी अम्मी उसके बहन के यहाँ चली गई, तो हमने सोचा कि जब जाना ही है तो अभी क्यों ना चले जाएं। बस वो ये बात बोल के निकल के चला गया। शादी सिर्फ कुछ गलत फहमी है या फिर कुछ खिला दिया होगा इस जुनैद ने हमारी जानवी को? आप मिले नहीं ना काजल से, हो सकता है वाकई में वो काजल है, हमारी जानवी नहीं। हमेशा कर डबल रोल किशन साहब, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन जानवी ऐसे एक मुसलमान लड़के के साथ मैकेनिक, और सर हम तो जानते हैं इसको अच्छे तरीके से। मुकेश भैया एकदम तैयार है, मक्खन जैसे चली। पिछली बार तुमने मलाई बोला था, दो दिन में बंद पड़ गई थी। अरे भैया इतनी पुरानी हो गई है, ऐसे तो घोड़ी भी थक जाती है। आप इसे रिटायर क्यों नहीं कर देते? मार्केट में एक से एक नई मॉडल आई है। हमें तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा है सर। हमें भी यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हारे घर के तीन तीन लोग मारे गए हैं और एक बाबा कलीम कुरैशी, ड्राइवर संदीप वर्मा की लाश मिलनी अभी बाकी है। अब तुम्हारी छोटी बहन मिली है जानवी, जो जानवी नहीं काजल है, और ये जुनैद, जो जुनैद नहीं सुरेश अवस्थी है। कैसे यकीन होगा? वैसे लखनऊ में है कोई तुम्हारा? कोई रिश्तेदार। रिश्तेदार? सर अगर होता तो सबसे पहले हमें फोन नहीं आता क्या? तुम्हारा है कोई? नहीं तो, और वैसे भी हम तो उस घर में रहते नहीं थे, तो हमको कैसे? अब एक बार भी मत बोलना कि हम तो उस घर में रहते नहीं थे, हमें कुछ नहीं पता, हम बिलीव नहीं करते मंदिरों में, दरगाह पर, बाबाओं पर। अब जो भी कहना सुनना होगा इन दोनों के सामने, हम भी तो जाने उस ढाबे की दाल कितनी काली थी और वो चील कितनी गहरी। जानवी और जुनैद का अफेयर, किसी को तो पता था इसके बारे में? शायद बाबा कलीम कुरैशी ही उनका साथ दे रहा था। शक कलीम और जानवी के अफेयर का था, पर बाबा कलीम दरअसल जुनैद और जानवी के रिश्ते को हवा दे रहा था पनपने में, और फिर साजिश में बाबा कलीम को रास्ते से हटा दिया गया ताकि कोई निशानी ना छूटे। इस अफेयर की निशानी किसी ने बहुत पहले पकड़ ली थी। इस पूरी साजिश का एक इतिहास भी था, पीर वाजिद की दरगाह के दौरे से लेकर फकीर दौला की दरगाह तक। अपना शक सही निकला जनाब, और निशाना भी सही जगह लगाए। एड्रेस लिख लो, शिवशंकर लॉज, बड़ी मस्जिद के पीछे। और हाँ, वहाँ के रजिस्टर में दोनों ने अपना फर्जी नाम दिया हुआ है, काजल शर्मा और सुरेश अवस्थी। तुम वहीं रुके रहना, मैं टीम लेके पहुँच रहा हूँ। पूछो हमसे कि हमें कैसे पता कि तुम उस गाड़ी में नहीं थी जो उस झील में धकेली गई। हमें एक नहीं चार चार आत्माओं ने बताया, और तुम जानती हो ना वो आत्माएं किन लोगों की थी। तुम ये भी जानती हो कि तुम जानवी तनवर से काजल क्यों बनी, और ये जुनैद से सुरेश अवस्थी क्यों बना। तुम सब कुछ जानती हो, और वो सब कुछ अब हम तुमसे जानेंगे। भाभी किशन भैया है का? तुम मिले का जानवी से? जानवी और जुनैद को लखनऊ से लाया जा रहा है। कहा बोली जानवी? हवलदार बोला पूछताछ करना बाकी है अभी। ये जो जुनैद है इसका हमारी जानवी के साथ किसको पता था रे? पता नहीं किशन भैया, हम तो ये सोच के हैरान है कि हमारी जानवी इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी बिना किसी की मदद से। देखो
तुरंत अभी के अभी तो तुम दोनों की शादी होने से रही। 5-5 मर्डर्स का शक है तुम दोनों पर। बेहतर होगा सब कुछ, सब कुछ मतलब A to Z सब कुछ सच सच बता दो। प्लान क्या था और कौन हेल्प कर रहा था तुम्हारी? संदीप वर्मा था। कहाँ है वो इस वक्त? या बाबा कलीम कुरैशी था? बोलो जानवी। जुनेद तुम यहाँ? हाँ संदीप भैया, वो यहाँ नियालपुर में एक रिपेयर की गाड़ी छोड़ने आए थे। कब से खड़े, कुछ मिल ही नहीं रहा था, और किस्मत देखिए आप मिल गए। अरे किस्मत की तो बातें मत करो यार जुनेद, किस्मत तो हम लोगों की इतनी ख़राब है ना, पता नहीं ढाबे में क्या खा लिया, उसमें क्या गड़बड़ हो गई, सबकी तबीयत खराब, उल्टी आ रही, भयंकर नींद आ रही। तुम एक काम करो, सिंगापुर तक चला लोगे क्या? ये भी कोई पूछने की बात है, आप आइए हम चलाते हैं। आइए तो नहीं लगता कि जुनैद ने भी वैसी पठानी पहन रखी थी जैसी पठानी बाबा कलीम कुरैशी पहनता था। ये सब कुछ पहले से प्लान था। भैया कहीं खाने के लिए रुके क्या? अरे वो दाल मखनी सबसे ज्यादा फेमस है संतराम ढाबे की, और बाकी खाने बहुत बढ़िया मुकेश भैया, वहीं खाते हैं। हाँ रात 9 बज गया है तो खा ही लेते हैं। बाबूजी के भी दवाई का टाइम हो गया है ना, तो कुछ खा लेते हैं। अच्छा संदीप, ये संतराम ढाबा कितनी दूर है आगे? अरे बस यही रहा, 2 मिनट में आ जाएगा। तो ये भी इत्तेफाक नहीं था कि खास उसी संतराम ढाबे पर गाड़ी रोकी गई और गाड़ी का पीछा किया गया। और तू जुनैद, जाहिर सी बात है ढाबे पर खाने में नींद की गोलियां तूने मिलाई,
अब हम बेसब्री से ये जानना चाहते हैं कैसे। रे पंकज, 7-8 का ऑर्डर रेडी है, रे ले जा फटाफट। ये तो साफ हो गया कि उस दिन ढाबे पर तुमने वो खाना नहीं खाया, लेकिन तुम्हारी भाभी आरती ने भी वो खाना नहीं खाया। क्यों? क्या वो भी साजिश का हिस्सा थी? भाभी खाइए ना थोड़ा सा, हमारा सच में बिल्कुल मन नहीं है जानवी। क्या तुम्हारा भाई मुकेश इस प्लान का हिस्सा था, इसीलिए वो आरती के साथ पीछे रह गया? हम अम्मा और भाऊजी को लेकर घर जाते हैं। ठीक है, तुम लोग निकलो तुरंत। तुम्हारे चाचा जी लघुतन वो संयोग से बच गए, और उनकी पत्नी मालती बेवजह बेमतलब के मारे गए। कि हो क्या रहा था जानवी? क्या बाबा कलीम कुरैशी ने खाना खाया था? क्या वो भी इसी प्लान का हिस्सा था, इसी वजह से मारा गया? ये प्लान फकीर दौला दरगाह पे जाने की रूहानी मांग से पहले ही बनाया गया था क्या? तुम्हारा अपने बाबूजी के लिए प्यार भक्ति ये सब ढोंग था ना? नहीं नहीं सर, ये झूठ है। मैं अपने बाबूजी से बहुत बहुत प्यार करती थी, मैं बस उन्हें ठीक होते हुए देखना चाहती थी। बेहोश करके गाड़ी में बिठाकर धक्का देकर झील में डुबोने से कोई कैसे ठीक हो सकता है जानवी? वो तो मर जाता। जैसे तुमने अपने बाबूजी को मार डाला, अपनी मम्मी को मार डाला, अपनी चाची को मार डाला, बाबा कलीम कुरैशी को मार डाला, और वो अभी इसके लिए, इस जुनैद के लिए कैसे आया ये तुम्हारी जिंदगी? भैया आपका डब्बा। आला किशन भैया के लिए भी डब्बा लेकर क्यों नहीं जाती? और भी ज्यादा टाइम मिलेगा हम दोनों को। पागल हो क्या? उनके लिए तो जया भाभी बनाती है ना टिफिन। उनकी रसोई अलग है, घर अलग है, सब अलग है। देखना एक दिन तुम हमारे लिए भी डब्बा बना कर लाओगी। खुद अपने हाथों से बना के लाएंगे एक एक चीज। लेकिन सबके सामने ये हो पाएगा? हम मुकेश भैया को रोज खाना देने जाते थे, वहाँ हमारी जुनैद से फ्रेंडशिप हो गई और प्यार हो गया, और हमारा प्यार सच्चा था। जुनैद मियाँ, तुम कोई 18 साल के बाली उम्र के बालक तो हो नहीं इन मैडम की तरह। सिराजगंज में तुम्हारी अच्छी खासी फैमिली है, बीवी शबनम, बेटी जारा। तो क्या तुम्हारे इतिहास के बारे में पता है इन मैडम को? सब कुछ पता था, हमने जानवी को सब कुछ साफ साफ बता दिया था, है ना जानवी? अगर प्यार नहीं करते सच्चा वाला तो सच बताते ही क्यों? अगर पहले से शादीशुदा हो तो हमसे दोस्ती काहे की है? क्यों पढ़वाया हमें अपने प्यार में? क्योंकि जानवी हमारी शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई थी, जबरदस्ती उस शबनम को हमारे गले बांध दिया गया था, लेकिन प्यार हमने अपनी मर्जी से किया है, सच्चे दिल से, पूरी शिद्दत से, वो भी तुमसे। सच कह रहा है। पता चला किसी तीसरे को भी ऐसा ही कह रहे हैं। अरे वो जानवी तो जबरदस्ती हमारे गले पड़ गई थी। जानवी ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे लिए हम गला काटेंगे, पूरा दुनिया का और खुद का भी, इतना प्यार करते हैं तुमसे।
काम था कि तेरे बाबूजी को लकवा मार गए और तू यहाँ खानदान का नाम बर्बाद करिए वो किसी और बिरादरी के लड़के के साथ अपना मुंह काला करा के? हम दोनों एक दूसरे से बहुत, हम तेरा मुंह तोड़ देंगे अगर ये प्यार व्यार का नाम लिया तो। ये प्यार व्यार की ABCD में पता है तुझे? और तेरे बाबूजी, उनको पता चल गया ना वो वहीं के वहीं मर जाएंगे और तेरे भाई खून की नदियां बहा देंगे सीमापुर में। खा हमारी कसम, आज के बाद तू उस लड़के का नाम नहीं लेगी। जानवी, हम सबको बोल देंगे और खुद जहर खा लेंगे। हम कसम खाते हैं नहीं मिलेंगे जुनैद से। उसका नाम भी नहीं लेगी? नहीं लेंगे। तेरे भाइयों से बात करके जल्द से जल्द एक अच्छी बिरादरी का लड़का ढूंढवाएंगे तेरे लिए और फिर तेरा ब्याह कर देंगे। एहसान मानेगी हमारा कि किसी दिन ऐसी कसम दिलवाई थी? हमने कसम तोड़ दी, दरअसल हमने दिल से तो खाई नहीं थी, हमारे दिल में तो बस जुनैद था। पर जुनैद से मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, कम से कम सीमापुर में तो बहुत ही मुश्किल। फिर कहाँ मिलते थे? पर जुनैद से मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, कम से कम सीमापुर में तो बहुत ही मुश्किल। फिर कहाँ मिलते थे? सिकंजगढ़, पीर वाजिद की दरगाह पर, जहाँ तुम लोग 10 बार गए थे। मानो भगवान का हमारे लिए भेजा गया एक मौका था कि मुकेश भैया उस बाबा कलीम को घर ले आए। वहाँ सिकंजगढ़ में सबसे दूर छुपके ही सही हम दोनों बड़ी आराम से मिल लेते थे। हम अभी दरगाह जाके आते हैं। हम अभी तो होके आए और खाने का टाइम हो रहा है। आज जानवी और हमें कल फिर से जाना है। हमारा मन कर रहा है और हम जल्दी आ जाएंगे। सिकंजगढ़ में एक दिन ऐसा नहीं था जब मैं जुनैद से नहीं मिलती और वह हम काफी देर साथ रहते, करीब रहते, काफी करीब। जब जब तनवर खानदान पीर वाजिद की दरगाह पर जाता तू भी वहां पहुंच जाता। जी, लेकिन जब 10 बार पीर वाजिद के यहाँ माथा टेकने की मन्नत पूरी हो गई तब हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए। हमारे पास मिलने का कोई रास्ता ही नहीं था। हम चले? पक्का सिर्फ 10 चक्कर बोला था उस बाबा ने आका, और 10 नहीं बोल सकता था वो। अगर और 10 कहते तो उसके बाद हमारा क्या होता? पता नहीं क्या होता, तुम बताओ। क्या होना चाहिए ये बता सकते हैं, पर क्या होगा ये जानते हैं। क्या? जुनैद हमारा परिवार कभी नहीं मानेगा, वो हम दोनों को एक नहीं होने देंगे। तो तुम्हें यूं अलग अलग रहना कबूल है किसी और की बीवी बनकर? नहीं। तो फिर? तुमने कहा था ना कि तुम हमारे लिए मर भी सकते हो और मार भी सकते हो। हम आज भी वही कहेंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बाबा कलीम कुरैशी एक नंबर का फ्रॉड है। वो यहाँ के क्या, किसी भी जगह के 100 चक्कर कटवा लेना तब भी बाबूजी ठीक नहीं होने वाले। मतलब तुम उस बाबा कलीम कुरैशी को मार डालना चाहते हो? नहीं, बाबूजी को। डर गए? वो बात नहीं है, लेकिन जानवी मारने के बजाय हम कहीं भाग भी तो सकते हैं, मारना क्यों? और फिर बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? लेकिन तुम तो उनको मारने का बात कर रही हो। उन्हें मारकर उनकी आत्मा को रिहा करने की बात कर रहे हैं। जुनैद, हम अपने बाबूजी से जितना प्यार करते हैं ना उतना कोई नहीं करता, अम्मा भी नहीं। हम तुम्हारे साथ भाग गए तो किशन भैया और मुकेश भैया तो उनका ध्यान रखने से रहे। किशन भैया तो वैसे भी सिर्फ लेक्चर देते रहते, सलाह देते, सिर्फ मदद करने से रहे, और मुकेश भैया भी कुछ ज़्यादा ध्यान रखेंगे नहीं, अम्मा उनका ध्यान अकेले नहीं रख पाएगी, वो बहुत तड़पेंगे, अम्मा और बाबूजी दोनों। इसलिए भागना है तो हमें बाबूजी की तकलीफ खत्म करनी होगी, अम्मा की भी। जो कहोगी, जो चाहोगी, हम वही करेंगे। ऐसा प्यार आज तक नहीं देखा, मतलब जानलेवा प्यार।
मुकेश का क्या रोल था तुम्हारे इस प्लान में? वो तुम्हारे अंदर रूह वगैरह आने का ढोंग किसका आइडिया था? रूहानी मिशन कामयाब। हम फकीर दौला की दरगाह जाने वाले हैं। ये ढोंगी बाबा कलीम कुरेशी बुरा फंस गया, थोड़ा डरा हुआ भी है। उस पाखंडी को लग रहा है कि सच में हमारे अंदर रूह आती है जो फकीर दौला जाने की मांग कर रही है। हम सबके जाने का प्लान बना है, तुम पीछे पीछे आना। तो प्लान पूरी फैमिली के सफाया का था, किशन और जया को छोड़कर। उन्हें तो मेरी वैसे भी कुछ पड़ी नहीं थी। अगर सब चले जाते और सिर्फ वो रह जाते तभी वो मेरी और जुनैद की शादी में टांग नहीं अड़ाते। ज्यादा से ज्यादा क्या करते, दो लेक्चर देते। और चाचा चाची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, उनको मारने का प्लान नहीं था। वो तो अचानक आदम के घर पे उस सुबह वो जिद करने लगे कि वो भी चलेंगे फकीर दौला। बाबू जी ने कहा कि ले चलते हैं और हम कुछ नहीं कर पाए। और वो ढोंगी बाबा कलीम, उसे भी मारने का कोई प्लान नहीं था, पर वो भी बेवजह चिपक गया। कहने लगा कि हम खुद चलेंगे फकीर दौला की दरगाह पे। तो तुम्हारी आरती भाभी की सच में तबीयत बिगड़ी थी, इसलिए मुकेश उनके साथ पीछे रह गया था, और तुम्हारे चाचा रघु भी, इसलिए वो सबके सब बच गए। और ड्राइवर संदीप वर्मा, वो भी बेकसूर। वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ था। इतने सारे अपनों की, परायों की लाशों पर खड़े होकर तुमने इसके साथ गृहस्थी बसाने की सोची? सोचा अपना नाम बदलकर, शहर बदलकर तुम्हारे सारे जुर्म, सारे पाप धुल जाएंगे? अबे जुनैद, तेरी बीवी तेरी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती तो पुलिस तेरे पीछे पड़ती पड़ती? नहीं पड़ती। हम शबनम और जारा दोनों को ही छोड़ चुके थे, अब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बेटा, तेरी खुद की जिंदगी भी तेरा हिस्सा नहीं है। 5-5 मर्डर्स के इल्जाम है तुम दोनों पर, उमेश तनवर, माधुरी तनवर, मालती तनवर, बाबा कलीम कुरेशी, ड्राइवर संदीप वर्मा जिसकी लाश मिलने अभी बाकी है। इन 5-5 लोगों का भयंकर तरीके से मर्डर किया तुम लोगों ने। जानवी, तुम सच में अठारह क्यों ना? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने पूरे परिवार को मारकर चैन की जिंदगी जी सकते हो? तुम्हें डर नहीं लगा कि उन सब की आत्माएं, रूह तड़पाएंगी तुम्हें? सर, अगर हम जुनैद से शादी ना करते और अम्मा के किसी बताए लड़के से शादी कर लेते तब भी तो हम तड़पते ना। अगर हम जिद करते कि हमें सिर्फ जुनैद से शादी करनी है तो वो हमें मरवा देते, और फिर आप यहाँ बैठ के हमारे परिवार वालों से ये सवाल करते कि अपनी बेटी को मारकर आप लोग चैन से कैसे जी पाएंगे? सही ना सर? इतनी छोटी सी बच्ची हमारी जानवी ऐसा कर गई।
वो तो तकदीर से हम बच गए, वरना हम भी, हम आरती चाचा जी, हम भी झील के अंदर होते गाड़ी में। इस जोड़े को सख्त से सख्त सजा तो होगी, लेकिन एक तरह से ये केस रिवर्स ऑर्डर किलिंग का हो गया। इंटर बिरादरी जोड़े ने अपने खानदान की मर्जी का अनुमान लगाकर पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया। और ये लड़का जुनैद, कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था इसका? नहीं था, ऑब्वियसली लड़की का भी नहीं था। और यही हमारे लिए शॉकिंग था कि ये दोनों फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स इतने बेरहम कैसे हो गए। धर्म, जात, स्टेटस, बतौर पुलिस ऑफिसर्स हम समाज की इन हकीकतों को कैसे बदल सकते हैं, फ्रेंकली हमें नहीं मालूम। लेकिन जब ऐसे घरेलू क्राइम्स होते हैं तो घर की चार दीवारों में पनप रहा उबलता लावा स्पॉटलाइट में आ जाता है। घरेलू दुश्मनी, गुस्सा, जोर जबरदस्ती, झूठी प्रतिष्ठा, ये सब का उबलता लावा एक जुर्म का रूप ले लेता है। समाज पर टिप्पणी करना हमारा काम नहीं है, लेकिन जुर्म और समाज ऐसी गहराई से आपस में जुड़े हैं कि अक्सर लगता है सब्जेक्ट पर सीरियस थिंकिंग और सख्त एक्शन की जरूरत है। संदीप वर्मा की लाश अभी तक मिसिंग है। जहानवी और जुनैद पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। फिलहाल दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। हम सब इंसान तो हैं, लेकिन इंसानों में धर्म, जाति, वर्ण वगैरह के कारण भेदभाव एक हकीकत है जो हमारी पहचान बनती है। और ये सोच सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, ये एक यूनिवर्सल एहसास है। किसी दूसरे को अपना ना समझना, ये एक विश्व भर में चलती आ रही इंसानी धारणा है और बहुत पुरानी भी है। सम्मिलित होना, सबके साथ चलना, ये शायद हमारी कुदरती फितरत नहीं है। इसलिए काफी मेहनत करनी होती है कि हम अपने सारे मतभेद भुलाकर अपनी पहचान को एक तरफ रखकर उसका असर दुनिया पर ना होने दें और रोटी बेटी के रिश्ते बढ़ाते रहें। लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि एक दूसरे की रोटी खाना और बांटना हमने भले ही सीख लिया है, लेकिन अपनी बेटियों को अपनी मर्जी से कहीं से भी जीवन साथी चुनने की आजादी अभी मिलनी बाकी है। दो धर्मों के बीच प्यार के रिश्ते, खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं कबूले जाते। लोगों के मतभेद, उनकी गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं, लोगों के बीच की विविधता को एकता में बदला जा सकता है, लेकिन इंसानों के बीच ऐसा कोई भेद नहीं हो सकता जिसे भयंकर कत्ल से मिटाया जा सके। अगर बिल्कुल नकारात्मक नजरिए से देखा जाए तो जुर्म एक तरीके से सारे मतभेद मिटा देता है और इंसान को सिर्फ एक ही पहचान देता है और वो है क्रिमिनल की। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।